हेलो एवरीवन, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। वेलकम एट डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सीएलसी सीकर। और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मेजर सेकंड, इट मीन जो अपना डीसीएम था। तो हर संडे हम मेजर कंडक्ट कराते हैं और मेजर टेस्ट में फुल सिलेबस टेस्ट होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी के अकॉर्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अकॉर्डिंग नीट एग्जाम जो टॉपिक का वेटेज होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये मेजर टेस्ट बनाते हैं। और आपको बिल्कुल, मैंने जो 50 क्वेश्चन बोटनी में लिए हैं, आप समझ सकते हैं मेरे राजा बेटा रानी बेटी की बोटनी से 50 से 55 क्वेश्चन जो सीएलसी का सिलेबस है बोटनी का, तो वहाँ एग्जाम में आते हैं। और हमने हमारे मेजर में ये सेपरेशन है कि 50 क्वेश्चन बोटनी से और 40 क्वेश्चन जूलॉजी से। यस, तो 50 क्वेश्चन का मैंने पूरा आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन, एक विवरण दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर तक आपको लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा, प्लान डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी सीक्वेंस, आप जानते हैं 132 और ये टोटल आपके 7 क्वेश्चन हैं। प्लान मॉर्फोलॉजी 3, एनाटॉमी 3, सेल बायोलॉजी 7, फिजियोलॉजी से 4, एम्ब्रोलॉजी से 6, बायोमोलिक्यूल मोलिकुलर बायोलॉजी से 7 है, दो क्वेश्चन उसमें जाएंगे। बायोटेक एप्लीकेशन ये आपके 2 क्वेश्चन है। इकोलॉजी के जो आपके 9 क्वेश्चन है। और ऐसे हम मेजर के अंदर आपको अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बिल्कुल जो एग्जाम का टॉपिक का वेटेज होता है और पूरा अच्छे से। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको नीट 2021 में एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना है तो एक ही चीज़ को आप अपने लिए मतलब रामबाण बना ले उसको, कि जो डेली टेस्ट आपके होते हैं, जो आपकी डेली टेस्ट सीरीज होती है एक एक टॉपिक के, उसमें आप अपनी थ्योरी की कमियाँ दूर करें, अपने जो भी डेरिवेशन है या थ्योरी की कमियाँ, स्पेशली बायोलॉजी में, तो जूलॉजी बोटनी में तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समरी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप सोल्व करें। और उसके बाद मेरे राजा बेटा, जब आपका संडे को मेजर हो तो अगर आप 500 मार्क्स से भी स्टार्ट होते हैं, 480 से भी, और अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, आगे से आगे मेजर होता जाएगा, आपके डेली टेस्ट वाला सिलेबस भी होता जाएगा, और आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं तो 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं एक और बात बताता हूँ, अगर आपकी थ्योरी में कमियाँ हैं तो हमारा जो डिजिटल क्रैश कोर्स है, रैपिड रिविजन क्लासेज हैं, वो तो इतनी मस्त है, A to Z एनसीईआरटी लाइन सारे कंसेप्ट वहाँ पर सोल्व कराए गए हैं। तो आपको वो क्रैश कोर्स कैसे भी करके ज्वाइन करना चाहिए, साथ साथ में थ्योरी की कमियाँ भी दूर और आपका मेजर में इंक्रीजिंग कर लो। आप तो 400 से भी अगर आप 580 पर पहुँच जाएगा तो आप लिख लेना, गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा 2021 में, एक अच्छी रैंक आएगी। और सारे बच्चे आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इतने अच्छे माइंड के बच्चे हो, है ना, बहुत क्यूट से हो, 100% आप 2021 में डॉक्टर बनेंगे। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं अब अपने मेजर का सॉल्यूशन। तो आ जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 131, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट पर यूनिट एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड, एक विशिष्ट समय पर वातावरण में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित अकार्बनिक तत्वों की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो क्वेश्चन सोल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हो, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर यानी जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रकृति के हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर को जैसे अपन बात करें कि कंज्यूमर फीड करते हैं, तो उत्पादक से उपभोक्ता, कंज्यूमर की ओर अपन जाते हैं, तो पहले आपके हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस शाकाहारी, और फिर आप जानते हो कि कार्निवोरस, कार्निवोरस। तो जनरली ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकंड, फिर ट्रॉफिक लेवल थर्ड, फोर्थ, तो इसे आप कहते हो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। ये ट्रॉफिक लेवल पे जो पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, तो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर तो आपका होता है मेरे राजा बेटा स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। यस, अब आप जानते हैं कि किसी प्लांट के पार्ट की, ब्रांच की, लीफ की डेथ हो गई, तो प्लांट डेड प्लांट पार्ट्स या डेड प्लांट रिमेन्स, या किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद वो आउट हो जाता है किससे, लिविंग बायोमास से। तो अब वो क्या हो गया मेरे राजा बेटा, डेड बायोमास, डेड बायोमास इट मीन डेट्रिटस, डेड बायोमास। और फिर इस डेड बायोमास पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं बैक्टीरिया फंजाई, और बैक्टीरिया फंजाई जैसे ही डेड बायोमास पे ये जो डेट्रिटस होता है, डेट्रिटस यानी डेड प्लांट रिमेन, डेड एनिमल, है ना, उनका जो एक्सेट्री मटेरियल होता है, तो इस डेट्रिटस पे जैसे ही बैक्टीरिया फंजाई एंजाइम रिलीज करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है इनसोल्युबल है, इट मीन
आप समझ सकते हैं कि सेलुलोज और प्रोटीन वो सोल्यूबल में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज एमिनो एसिड, और फाइनली फिर वो इनऑर्गेनिक में चेंज होगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया में सॉइल में जो न्यूट्रिएंट को रिलीज करेंगे बैक्टीरिया, यस, तो पर्टिकुलर एरिया में सॉइल में जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स की जो अमाउंट होगी दैट इज स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा, फर्स्ट। और मैंने क्या कहा, अगर लिविंग ऑर्गेनिक मैटर आता तो क्या हो जाता, आप समझ सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वो तो लिविंग टू लिविंग सर्कुलेट होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो स्टैंडिंग स्टेट है, जो ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, ये इकोसिस्टम में इनपुट होता है, तो ये नॉन लिविंग से लिविंग में सर्कुलेट हो सकते हैं। बट स्टैंडिंग क्रॉप कभी भी लिविंग से नॉन लिविंग में भी और नॉन लिविंग से लिविंग में कभी नहीं, ओनली लिविंग टू लिविंग सर्कुलेट होती है। आगे जाकर अपन बहुत अच्छा इसका करेंगे भी। और स्टैंडिंग क्रॉप का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, और ये स्टैंडिंग स्टेट का भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 132, तो ध्यान दीजिएगा इजी वे में, व्हाट इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। तो आप समझ सकते हैं कि डायवर्सिटी थर्ड ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्रथम स्थली पादप हैं ब्रायोफाइट्स, पहली बार आप समझ सकते हैं कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट ओनली पैरेन्काइमा, यस, यानी केवल और केवल मर्दूतक इनमें पाया जाता है, क्लियर है ना। और आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस हैं। तो आ जाइए ऑप्शन पे आते हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जर्मिनेशन आर इंडिपेंडेंट, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद पीढ़ियां स्वतंत्र होती, ऐसा नहीं होता है, यस मेरे राजा बेटा। देखो मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं कि ब्रायोफाइटा का जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है प्रभावी पादप काय, वो होता है मेरे राजा बेटा गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक होता है युग्मोद्भिद, और युग्मोद्भिद आप समझ सकते हैं कि एन हैप्लोइड है, जो स्टार्ट कहां से हुआ, स्पोर से, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोर, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, कंटिन्यूस माइटोसिस हुआ, तो गैमेटोफिटिक युग्मोद्भिद प्लांट, इट मीन वेजिटेटिव प्लांट, तो थैलस प्लस राइजोइड्स, थैलस प्लस राइजोइड्स हो गए, लीवरवर्ट में यूनिसेलुलर फॉर्म में राइजोइड्स, मोसेज में स्टेम लाइक लीप लाइक राइजोइड्स हो गए, ये प्लांट बॉडी हो गई, ठीक है। ये इनका भी प्लॉइडी क्या है, एन है। फिर सेक्स ऑर्गन आ जाएंगे सीधे इनके ऊपर, सेक्स ऑर्गन आ जाएंगे एंथ्रिडिया, आर्किगोनिया, मल्टीसेलर जैकेटेड, और माइटोसिस से गैमेट बनेंगे क्योंकि हैप्लोइड है तो गैमेट बन जाएंगे, एंथ्रेजोइड और एग सेल फ्यूज होते ही, जब एंथ्रेजोइड और एग सेल फ्यूज होंगे तो 2n आपका क्या, जायगोट, और जायगोट से आपका स्टार्ट हो जाएगा स्पोरोफिटिक, फिर जायगोट से कंटिन्यूस माइटोसिस होंगे तो 2 सेल 4 सेल और डेवलप हो जाएगा आपका फूड सीटा कैप्सूल स्पोरोफिटिक। तो ब्रायोफाइटा का मैन डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होता है, अल्टरनेट स्पोरोफिटिक आता है, और स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गैमेटो, और अर्थ पे ये एकमात्र प्लांट है, सिंगल प्लांट ग्रुप है जहां स्पोरोफिटिक डोमिनेंट नहीं है और स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गैमेटोफिटिक, यस। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां देखो ये नहीं हो सकता, स्पोरोफिटिक इटसेल्फ कंप्लीट द लाइफ साइकिल, बीजाणुद्भिद अपने आप में जीवन चक्र पूर्ण करता है, ये भी नहीं हो सकता, स्पोरोफिटिक आर डिपेंडेड अपॉन गैमेटोफिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर विल बी थर्ड। आप समझ रहे हैं कि बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद निर्भर होता है, आ गया ना, और गैमेटोफिटिक आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ये नहीं है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में सीधी सी बात एक ही है, सबसे अच्छा करेक्टर है कि मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, युग्मोद्भिद है, जो माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करती है, और अल्टरनेट आपका स्पोरोफिटिक आता है जायगोट के बाद में, जो प्लांट से सेपरेट रहता है, और वो आप समझ सकते हैं कि सॉरी जो प्लांट पर अटैच होता है स्पोरोफिटिक, और स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गैमेटोफिटिक, यस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133, प्रोथेलस इन टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइटा में प्रोथेलस है, तो ध्यान दे लेना कि टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का मैन प्लांट बॉडी 2n होता है स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुद्भिद, और 2n डोमिनेंट प्लांट बॉडी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से संगठित होता है, फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू आए तो प्लांट ऑर्गन डिफरेंशिएट हुए, पादप अंग विभेदित हुए, और आप समझ सकते हैं कि रूट स्टेम और लीफ, यानी ट्रू रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होता है, सत्य प्रकार की जड़ तना पत्ते में पादप शरीर विभेदित होता है, गुणिता क्या होती है 2n, कायिक वृद्धि होने के बाद में कायिक वृद्धि हो जाती है तो इनके ऊपर आती है स्पोरोफिल्स बीजाणु प्रणय, और स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया आती हैं, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल,
बीजाणु मात्र कोशिका जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी की लास्ट सेल है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होते ही स्पोर रिलीज होते हैं और स्पोर मैन प्लांट से रिलीज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं स्पोर एन। फिर इस स्पोर का जर्मिनेशन होता है, तो स्पोर का जर्मिनेशन होते ही इस टेरिडोफाइटा का गैमेटोफिटिक, इट मीन आप जानते हैं कि प्रोथलस फॉर्म होता है और ये प्रोथलस आप समझ सकते हैं कि हर्ट शेप्ड है, हर्ट शेप्ड है, ठीक है, हृदयाकार है, फ्री लिविंग है। ये मैन प्लांट से सेपरेट भी हो गया, पृथक भी हो गया, तो फ्री लिविंग भी है। और आप इसके साथ ये भी जानते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक है, तो ये फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक भी है और सेपरेट भी हो गया, तो ना वहाँ से आवास ले रहा है ना भोजन ले रहा है। और इसमें फिर आप जानते हो सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया और एन3डी आते हैं, तो ये कहलाता है प्रोथेलस। क्या कहलाता है? प्रोथेलस। तो ये प्रोथेलस है ना, हैप्लोइड है, ग्रीन है, हर्ड सेप्ड है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है। आ जाओ ऑप्शन पे, नॉन वैस्कुलर, और अपने दिमाग में एक लाइन 100% अपने दिमाग में सेट कर लो, अर्थ के ऊपर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है युग्मोद्भिद, ऑलवेज नॉन वैस्कुलर, हमेशा असमनीय होती है, नॉन वैस्कुलर होती है। अब ब्रायोफाइटा का तो मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है तो नॉन वैस्कुलर है, और टेरिडोफाइटा के अंदर ये अल्टरनेट प्रोथेलस आता है, ये भी फ्री लिविंग है, ये नॉन वैस्कुलर। और आगे जब जिम्नोरेंजियो में बात करेंगे तो वहां तो गैमेटोफिटिक हाईली रिड्यूस हो जाएगा, कुछ सेल्स का बचेगा, तो हमेशा गैमेटोफिटिक क्या होता है? नॉन वैस्कुलर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉन वैस्कुलर ये करेक्ट है, हैप्लोइड ये भी करेक्ट है, मल्टीसेलर स्मॉल मोस्टली फोटोसिंथेटिक और थैलोइड गैमेटोफाइटिक, ये बिल्कुल आपका आंसर फर्स्ट ही हो रहा है। असमनीय, अगुणित, बहुकोशिकीय, छोटा, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी, हाँ मोस्टली वो फोटोसिंथेटिक होता है, स्वपोषी होता है, कभी कभी सेप्रोफाइट हो सकता है कुछ टेरिडोफाइट्स में, इसलिए आपने यहाँ पर ये बात कर दी। इसके अलावा देखो आंसर आपका फर्स्ट ही हो गया। अब देखो वेस्कुलर ये यहाँ रॉन्ग हो गया, हैप्लोइड मल्टीसेलर गैमेटोफाइट, फिर डिप्लोइड ये यहाँ पे भी रॉन्ग हो गया, मैन प्लांट बॉडी इन सम टेरिडोफाइट गलत बात, क्योंकि वो तो मैन प्लांट बॉडी हो ही नहीं सकता, टेरिडोफाइटा का मैन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफिटिक होता है। आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, अच्छे से है ना मेरे राजा बेटा, बिल्कुल आप क्लियर कंसेप्ट। और अच्छे से एनसीईआरटी की सीक्वेंस में जो लाइफ साइकिल पैटर्न है थर्ड चैप्टर के लास्ट में, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप जानते हो 2017 में 18 में क्वेश्चन वहाँ से लगातार हैं, जैसे वहाँ एक्टोकार्पस का और पॉलीसाइफोनिया का हैप्लोडिप्लोंटिक है, फ्यूकस का डिप्लोंटिक है, यस। और आप समझ सकते हैं कि हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लोडिप्लोंटिक क्या होता है और डिप्लोंटिक क्या होता है। जहाँ जाइगोटिक मियोसिस होता है वहाँ हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है, जहाँ स्पोरिक मियोसिस है, आप जानते हैं कि दोनों ही मल्टीसेलर है, मैन प्लांट बॉडी मान लो गैमेटोफिटिक, अल्टरनेट स्पोरोफिटिक है, तो हैप्लोडिप्लो। टेरिडो में भी मैन स्पोरोफिटिक है, 2N है, लेकिन अल्टरनेट गैमेटो वो मल्टीसेलर आ रहा है, तो हैप्लोडिप्लोंटिक कंसिडर होता है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लोंटिक कंसिडर्ड होता है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 134 पे इजी वे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग साइकस, निम्न में से कौन सा साइकस के बारे में सत्य है, आपको ट्रू स्टेटमेंट पे जाना है। ध्यान दीजिएगा, द सेम स्पोरोफिल कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड ओव्यूल, एक ही बीजाणु प्रण पर लघु बीजाणु धारणता बीजाणु दोनों पाए जाते हैं, गलत बात। देखो सारे के सारे जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। इसका मतलब ये बात तो हो गई कि नर शंकु मादा शंकु वहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल मेलकोन को, माइक्रोस्पोरोफिल का ग्रुप मेलकोन को रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोरोफिल का ग्रुप फीमेल कोन को रिप्रेजेंट करता है, यस। और फिर अपने कहा था कि अगर दोनों कोन मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे हो, सेम प्लांट पे पाइनस, तो मोनोसियस, जो 2018 में मैचिंग का क्वेश्चन आया, और अगर डिफरेंट प्लांट पे हो तो साइकस, और साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होते हैं, तो साइकस में जैसे एक प्लांट के ऊपर मेल कोन है, यानी ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन, तो ये एक प्लांट है, और अदर प्लांट पे आपका हो सकता है मेगास्पोरोफिल का ग्रुप, क्योंकि साइकस क्या है, डायोसियस है, डायोसियस एक लिंग आश्री है, डायोसियस प्लांट है, तो देखिएगा ये नहीं हो सकता, ए सिंगल कोन कंसिस्ट ऑफ बोथ मेगा एंड माइक्रोस्पोरोफिल पॉसिबल ही नहीं है, मेल स्ट्रोबिलस एंड मेगा स्पोरोफिल अकर ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट में नहीं हो सकता, अगर नर संकुर गुरु बीजाणु प्रण दोनों एक ही पादप पर हो गई तो मोनोसियस हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेल स्ट्रोबिलस एंड मेगा स्पोरोफिल अकर ऑन सेपरेट प्लांट, तो नर संकु और आप समझ सकते हैं या स्ट्रोबिलस बोल सकते हैं, और गुरु बीजाणु प्रण दोनों अलग अलग प्लांट पे होगी, साइकस डायोसिस होता है, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135,
प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जनरली आपके एनसीईआरटी लाइन है, और जनरल आप देखते हैं कि यहाँ लिग्निन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर देखो लिपिड आ गया, ये नहीं हो सकता। हेमीसेलुलोज पैक्टीन प्रोटीन लिपिड, फिर लिपिड आ गया, नहीं हो सकता। सेलुलोज हेमीसेलुलोज पैक्टीन एंड प्रोटीन, देखो मेनली जो सेलवाल होती है सेलुलोज और पैक्टीन, हेमीसेलुलोज आ सकता है, लेकिन फिर आप प्रोटीन तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो सीधे आपके एनसीईआरटी लाइन है, आंसर क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136, लिपोइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में आया, जानते हो एसईआर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड संश्लेषण के स्थल सेल में क्या है, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको अच्छे से पता है मेरे राजा बेटा रानी बेटी की जो एसईआर है, एसईआर है ना, आप जानते हो कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्टेरॉइड हार्मोन यानी जो सेक्स हार्मोन होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है, वो उनकी फैटी नेचर ही होती है, वहां कहाँ होता है, एसईआर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसईआर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पॉसिबल नहीं है, गोल्जी बॉडी मतलब ही नहीं है, और यहाँ एसईआर आरईआर में से क्या हो जाएगा, एसईआर। अच्छा क्वेश्चन आया, देखिएगा बेटा कभी भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या आप जानते हैं सिक्रेटरी स्त्रावी एंजाइम संश्लेषण की स्थल आ जाए तो आरईआर, और आप जानते हैं वसीय संश्लेषण का स्थल आ जाए तो एसईआर, ठीक है। और ग्लाइकोजन का संश्लेषण भी एसईआर करती है, ग्लाइकोजन और स्टार्च को छोड़कर बाकी जो आपके कार्बोहाइड्रेट है वो गोल्जी बॉडी करता है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण गोल्जी बॉडी करता है, सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है। सारे में वो कॉन्सेप्ट, सारे वो बातें जो क्वेश्चन आए हुए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं मेरे राजा बेटा, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईजी वे में, बात करो क्वेश्चन नंबर 137, द एम फेजेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम कॉल्ड एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सीधा आपका एनसीईआरटी का लाइन है। एम प्रावस्था केंद्रक विभाजन से प्रारंभ होती है, जहां आमतौर पर पुत्री गुणसूत्र, आप अच्छे से जानते हो कि माइटोसिस में होता है क्या है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है तो हर क्रोमोजोम पे, प्रोफेज में जब क्रोमोजोम अपीयर हुआ तो ईच और एवरी क्रोमोजोम पे क्या आ गया, रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल, तो इन माइटोसिस द रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोजोम फेथफुली सेग्रीगेटेड, तो जब फेथफुली सेग्रीगेटेड होता है यानी आप जानते हो कि यहां क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, और क्रोमेटिड के सेपरेशन के साथ ही जो डीएनए पहले इस फॉर्म में था क्रोमोजोम, ये आप जानते हो मोनाड से केवल डायड हुआ और वापस आप जानते हैं कि वही, तो क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज होगा नहीं, बट आप जानते हैं कि देखिएगा यहां अपन एक सेल के अंदर 4 क्रोमोजोम कंसिडर कर लें, और जनरली उसमें डीएनए के अमाउंट जो आपके पास थी वो 2c बराबर 4 और 2n बराबर 4, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो ऐसे आपके 4 क्रोमोजोम हो जाएंगे, ऐसे 4 हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि 4c बराबर 8, हर क्रोमोजोम पे डीएनए एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गया तो 4c बराबर 8 और 2n बराबर 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस होगा तो न्यूक्लियर डिवीजन, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई, देन साइटोकाइनेसिस तो फर्दर सेल का कंपार्टमेंट से सेल का सेपरेशन हो जाएगा। तो यहां आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये कैरियोकाइनेसिस है ए और ये साइटोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो देख लीजिएगा थर्ड ऑप्शन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये लो जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138, तो 138 देखिए मेरे राजा बेटा, 138 क्वेश्चन क्या है, मियोसिस डिफर विथ माइटोसिस इन हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, अर्धसूत्री विभाजन किस घटना के कारण समसूत्री विभाजन से अलग है। मेरे राजा बेटा समसूत्री विभाजन वो डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन इज अ डिवीजन इन विच रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोजोम फैथफुली सेग्रीगेटेड, हर क्रोमोजोम पे जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल आया वो सेग्रीगेट हो गया, क्रोमोजोम नंबर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट माइटोसिस, क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट है, क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई क्रॉसिंग हो रहा ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो जो डॉटर सेल्स होंगी वो आइडेंटिकल होंगी और मदर सेल की भी आइडेंटिकल होंगी, तो आपने इक्वेंशियल डिवीजन बोला। लेकिन मियोसिस में दो चीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑलवेज डिप्लोइड सेल में होता है, माइटोसिस हैप्लोइड में भी हो सकता है डिप्लोइड में हो सकता है, बट मियोसिस ऑलवेज डिप्लोइड सेल में होता है। और दूसरी बात ये होती है कि मियोसिस में जब प्रोफेज फर्स्ट होता है तो प्रोफेज को 5 सब फेजेज में डिवाइड किया गया है क्रोमोजोम बिहेवियर के अकॉर्डिंग, लेप्टोटीन जायगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट आपकी होती है पैकाइटीन, जहां आप समझ सकते हैं अच्छे से जब पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोजोम की, तो पेयरिंग वहां पे होती है, तो मैं आपको बता दूं कि पेयरिंग के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनमें क्रॉसिंग और हो जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज हो जाता है जो वेरिएशन का कारण है,
तो एक तो वहां वेरिएशन आती है, और एक जब फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होता है तो क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है, होमोलोगस पेयर में क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है, तो 2n से n, ये दो कंडीशन होती है जो माइटोसिस में कभी नहीं होती है। तो देखिएगा नंबर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन साइकिल, ये तो आप जानते हैं कि चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, प्रायर जो इंटरफेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन तो एक बार ही होगा। जैसे मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस दो टाइम है, बट डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल टाइम है, तो आप समझ सकते हैं ये कोई डिफरेंस नहीं है। सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम, ये भी कोई सेपरेशन होता ही है रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम का, ये भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी डिफरेंस नहीं है, ये भी नहीं है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत अच्छी बात, यानी क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये आपकी बात है। और इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज, बस ये गलत बात, इंटरकाइनेसिस के बाद तो क्या आती है, प्रोफेज सेकेंड आती है, यस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। यहाँ पर ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है, ये जो न्यू करेक्टर आते हैं, वेरिएशंस आती है, और वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग इसेंशियल भी है, जरूरी भी है, ताकि वातावरण के प्रति अनुकूलता आए। तो ये सारी बात आपके सामने, आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेरे राजा बेटा 139। तो 139 में देखिएगा, द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच में होता है, सिंपल बात है। देखो पोजिशन के अकॉर्डिंग जो मेरिस्टेम होता है वो दो टाइप का होता है वैसे, ये एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब ग्रासेज में फास्ट ग्रोथ होती है तो परमानेंट टिश्यू के बीच में कुछ मेरिस्टेम रह जाता है, और ये एपिकल मेरिस्टेम है ही, तो वो आपका होता है इंटरकैलरी। प्राइमरी मेरिस्टेम के दो टाइप हैं, बाकी जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 140, व्हेन प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट एट द सेंटर, द कंडीशन ऑफ जाइलम इज, यानी मेरे राजा बेटा जब जाइलम का डेवलपमेंट होता है, और जाइलम का डेवलपमेंट हो, और आप समझ सकते हैं अगर अपन रूट या स्टेम का क्रॉस सेक्शन लें, क्रॉस सेक्शन लें और ऐसे पेरिफ्री रीजन, यानी पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल, तो ये पेरिसाइकिल है, परिरंभ, ठीक है। अब डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, और डेवलपमेंट कुछ ऐसे हो, ध्यान से सुनना, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये पेरिफ्री रीजन है, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, परिरंभ। अब डेवलपमेंट ऐसे हो, प्रोटोजाइलम जिसके नैरो एलिमेंट होते हैं, फिर मेटाजाइलम, तो प्रोटोजाइलम और फिर मेटाजाइलम, ये लो जी। तो ये पेरिफ्री रीजन की, और प्रोटो यहां पे क्या, मेटा, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ये प्रोटोजाइलम और ये क्या हो गया, मेटाजाइलम, प्रोटो मेटा, प्रोटो मेटा, ये लो। तो ये एक्जार्क, आप समझ सकते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं याद करा देता हूं यहां पे, देखो फ्लोएम और जाइलम टुगेदर हो, एक साथ हो, बट फ्लोएम और जाइलम डिफरेंट रेडियाई पे, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, तो रेडियल वीबी और एक्जार्क जाइलम, रेडियल वीबी और एक्जार्क जाइलम ऑल रूट्स में, चाहे डायकोट हो चाहे मोनोकोट हो, नंबर ऑफ वीबी डिफरेंट हो सकता है, बट रेडियल वीबी, टाइप ऑफ वीबी और जाइलम का जो ओरिजिन होता है वो सेम है, रेडियल वीबी और एक्जार्क जाइलम, आंसर विल बी सेकेंड, यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाल्फ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, निम्न में से किस पादप उसको किसी भी उर्ध्व तल से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। यहां मैं आपको तीनों प्रकार के एप्लीकेशन बता देता हूं मेरे राजा बेटा, ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, और फ्लोर में जो पेटल है सभी पेटल का सिमिलर साइज के पेटल हैं, ये आपके हो गए, ठीक है। अब ये फ्लोवर है, ठीक है। अब आप कोई भी वर्टिकल प्लेन जो इसके सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहा है, कोई भी वर्टिकल प्लेन, चाहे ये प्लेन आपने ले लिया, एनी वर्टिकल प्लेन विच पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रल एक्सिस, जो इसके सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहा है, अगर इसको बराबर दो भागों में बांट दे, इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, तो वो आपका होता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, मोस्ट ऑफ फैमिली, चाहे वो ब्रेसिकेसी हो, सोलनेसी हो, है ना, लिलियेसी हो, मालवेसी हो, इनमें एक्टिनोमॉर्फिक ही होता है, त्रिज्या समेत एक्टिनोमॉर्फिक।
फिर होता है ओनली, अब ओड पेटल आ जाएगा, एक पेटल का साइज मतलब अलग आकार का होगा, डिफरेंट होगा। तो देखिएगा ये वैक्सिलम या स्टैंडर्ड, ये वैक्सिलम स्टैंडर्ड, ये लेटरल टू लेटरल, क्लियर, जो विंग्स होते हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि कील कैरिना, तो आप समझते पेप्लियोनेसिस। अब यहां ओनली वन पर्टिकुलर, एक ही प्लेन, ओनली एक वर्टिकल प्लेन सिंगल जो यहां से गुजरेगा, ये पास होगा और ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है, बट ओनली सिंगल प्लेन। तो ये आपका हो गया बायलेटरल सिमेट्री, जाइगोमोर्फिक, और जाइगोमोर्फिक पेप्लियोनेसी, फाबेसी जो फैमिली होती है मटर में, आप जानते पी है, बीन है, उसमें आपका ये हो गया। और अगर आप किसी भी प्लेन से डिवाइड ही नहीं कर पाओ तो वहां कोई सिमेट्री नहीं है, किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर पाओ तो वो कंडीशन आपकी होती है एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक कंडीशन आपकी होती है कैना। यस, अब यहां देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, मस्टर्ड में एक्टिनोमोर्फिक है, केसिया में जाइगोमोर्फिक है, दथुरा में एक्टिनोमोर्फिक है, और कैना बच गया, कैना में कोई सिमेट्री नहीं है, किसी भी प्लेन से अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो एसिमेट्रिक हो गए, आंसर विल बी थर्ड, करेक्ट। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, थर्ड आंसर आपका हो गया, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। चूज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ एलियम सीपा, एलियम सीपा यानी प्याज होता है, उसका सही पुष्पीय सूत्र बताओ। तो यहाँ अनियन जो प्याज है, प्याज लिलियसी फैमिली से रिलेटेड है, तो उसका आपको फॉर्मूला ढूंढना है। तुम्हें अच्छे से पता मेरे राजा बेटा कि जो फ्लोर की सिमेट्री होती है तो जनरली डाइकोट में पेंटामेरस और ब्रेसिक एसिड में टेट्रामेरस, लेकिन जनरली जो मोनोकोट फैमिली होती है लिलियसी और पोएसी, वहाँ ट्राइमेरस, यानी जो फ्लोरल वूल होते हैं थ्री या थ्री के मल्टीप्लाई में होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि लिलियसी का एक कैरेक्टरिस्टिक करेक्टर बताऊँ मैं आपको, पेरियंथ, पेरियंथ का मीन होता है कि वहाँ जो कोरोला और ये हैं वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं, यस, और वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो वहाँ पेरियंथ होता है, कैलिक्स और कोरोला आपस में इनडिस्टिंक्ट होते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा कि देखो ये ब्रैक्टेट यहाँ तक सही है बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ट्राइमेरस है, और फिर ये देखो यहाँ तक सही है बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर, ये तो फाबेसी फैमिली का है, मटर कुल के वहाँ जा सकता है, ये देखिएगा कि ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आपका फोर आंसर हो जाएगा, देखो ब्रैक्टेट फ्लोर, ब्रैक्टेट फ्लोर हो गया, सहपत्री, एक्टिनोमोर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, पेरियंथ, इट मीन आप समझ सकते हैं कि कैलिक्स कोरोला इनडिस्टिंक्ट, तो थ्री प्लस थ्री, थ्री सेपल थ्री पेटल, यस, और फिर आप जानते हो एपिफाइलस, एपिफाइलस मतलब ये तो होता है एपिपिटेलस सोलेनेसी के अंदर, कि जब पेटल है ना वो स्टेमन से अटैच हो, ये आप जानते हो एपिफाइलस, जब टेपल अटैच हो तो एपिफाइलस, थ्री प्लस थ्री, ए थ्री प्लस थ्री और जी थ्री, यानी ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस और एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, तो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस एक्जाइल प्लेसेंटेशन, तो ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ सेक्शन होगा ओवरी का, तो आंसर विल बी फोर, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है, फोर आंसर आपका हो गया है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं मेरे राजा बेटा 143, क्वेश्चन नंबर 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 143 आप देखिए, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन्फ्लोरेंस, ए और बी पुष्पों को पहचाने, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, आप जानते हैं कि कंपाउंड रेसिमोज है, कंपाउंड रेसिमोज यानी आप जानते हैं कि रेसिमोज वो होता है जिसमें फ्लोरल एक्सिस ग्रो होता रहे, नेवर एंड टू फ्लोवर, और ये ब्रांच रो फिर आपके ऐसे फ्लोर आपके लगे, तो ये कंपाउंड रेसिमोज है, कंपाउंड रेसिमोज, यस। तो देखिए मेरे राजा बेटा कि ये रेसिमोज का है, ए रेसिमोज है और बी, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ए रेसिमोज बी साइमोज, तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो रहा है, सेकंड आंसर है ना, आप समझ रहे हैं, तो 143 के अंदर, क्लियर। और ये आप जानते हो कि डाइकेजियल साइम है, डाइकेजियल साइम देखो एंड हो गया ना ये, और आपको अच्छे से बताऊं कि जो रेसिमोज होता है तो फ्लोरल एक्सिस ऑलवेज ग्रो करता रहता है, फ्लोर के अंदर वो एंड नहीं होता है, नॉट एंड इन टू फ्लोवर, यस, इनडिटर्मिनेट इनडेफिनेट, और एक्रोपिटल सक्सेशन होता है और वहाँ बेसिपिटल होता है सक्सेशन, ये आपका साइमोज इजी वे में आपका हो गया। नेक्स्ट पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी से ए टू जेड एनसीईआरटी गो थ्रू गया है, और मेरे राजा बेटा प्योर आप ठंडे दिमाग से सोचिए, शांत हो जाइए, 5:30 भी उठना है, ओम पर ध्यान करना है, 11 बजे तक पढ़ना है, डेली का टेस्ट देना है, थ्योरी की कमियाँ दूर करनी है, कूल होकर पढ़ना है, बायो में ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है, समरी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, और फिर लग जाना है नए जोश से, संडे का मेजर आज नहीं कल नहीं, जब सिलेबस और आपके हाथ में आ जाएगा तो नंबर आएंगे,
निराश होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, निराश होकर केवल अपने आप को बैक कर सकते हो। यस मेरे राजा बेटा, निराश होने से कुछ नहीं मिलेगा डिप्रेशन से। डिप्रेशन से तो जो पहली रैंक कॉपी भी चल रहे थे वो भी आप बिना सिलेक्शन हो सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम काउंटर पे आइए ऑफलाइन, और मस्त रहिए, कूल होकर पढ़ते रहिए। यस, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं 144, पोलिनेशन इन यक्का एंड एमोरफेलस अकर विद द हेल्प ऑफ। यक्का और एमोरफेलस में परागण किसकी मदद से होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई यक्का प्लांट और ये इकोलॉजी में भी आता है, प्रोन्यूभा मोथ यानी एक सलभ है, एक इंसेक्ट है। तो जो फीमेल मोथ है, फीमेल मोथ यक्का प्लांट में क्या कर देती है, फीमेल मोथ से पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन कर देती है मेरे राजा बेटा परागण, और बदले में ये जो यक्का प्लांट है इस मोथ को ओवी पोजिशन, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान, ओवी पोजिशन यानी इसके लारों को अंडे देने के लिए स्थान देता है, एग लेइंग सरफेस देता है, ओवी पोजिशन। जनरली बेटा आप जानते हो कि जो एंटेमोफिली होती है, जो इंसेक्ट से पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, जनरली इंसेक्ट को रिवार्ड के रूप में, हनी बी को रिवार्ड के रूप में, बटरफ्लाई को रिवार्ड के रूप में नेक्टर और आप पोलन देते हैं, बट कुछ प्लांट आप जानते हो रिवार्ड के रूप में ओवी पोजिशन, एग लेइंग सरफेस, अंडे देने के लिए स्थान भी देते हैं। तो यक्का उसको अंडे देने के लिए स्थान दे रहा है, और इस प्रोन्यूबा के लार्वा को, जो डेवलप लार्वा होता है, परिवर्तन से लार्वा को फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, और बदले में फीमेल मोथ से परागित हो रहा है। और आप जानते हो ये तो लंबोतर पुष्प है, एमोरफोफलस लार्जर 6 फीट, तो इंसेक्ट के द्वारा, तो ये दोनों इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं। सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर विल बी फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मन कहता है कि 2021 में आपका क्वेश्चन होगा। यस, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर। एक पुष्पीय भाग का अनुप्रस्थ काट आपको नीचे दिया गया है, इसको आप संरचना को आप पहचानना है। देखिए मेरे राजा बेटा, पहले आपको एक क्रॉस सेक्शन ले रखा है, एंथर का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर आगे उस एंथर को डाइसेंस, जो लाइन ऑफ डाइसेंस होता है स्टोमियम एरिया, तो स्टोमियम एरिया से उसको स्पुटित होते बता रखा है। जब स्पुटन का टाइम होता है, डाइसेंस का टाइम होता है, तो देखिएगा जनरली ये एंथर ऐसे होता है, एंथर इस फॉर्म में होता है, और ईच लोब, ये एक लोब है एंथर लोब, ये एक लोब है, ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, 2 पोलन सैक होती है, बट डाइसेंस के टाइम ये एक एक हो जाएंगी, हर लोब में एक एक हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं आपको क्या दिख रहा है, टीएस ऑफ यंग एंथर, नहीं, यंग एंथर में तो आप जानते हो कि यहाँ कनेक्टिव होती है और ऐसे पोलन सैक होती है, टीएस ऑफ मेगास्पोरेंजियम पॉसिबली नहीं है, टीएस ऑफ मैच्योर डाइसेंस एंथर, तो ये परिपक्व स्फुटित होता हुआ पराकोष आपको नजर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड आंसर आपका है, यस मेरे राजा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट एपोमिक्सिस, असंग जनन के लिए कौन सा कथन गलत है? तो मेरे राजा बेटा देखिएगा, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेज, यह एस्ट्रेसी तथा घासों की कुछ जातियों में दृष्टिग्रत होती है, देखी जाती है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, एपोमिक्स रिव्यू में। इट गिव राइज टू जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये मिमिक टू सेक्सुअल, ये लगता सेक्सुअल की तरह बट है असेक्सुअल, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगी, जो जन्मी संतति है, वो एकदम अपने जनक की कॉपी होगी, पेरेंट की कॉपी होगी, इट मीन्स वो क्लोन ही होगा। यस, तो आप समझ सकते हैं कि सिमिलर प्लांट, ये भी करेक्ट है। इट इज फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक असेक्सुअल, ये गलत बात होगी, यह लैंगिक जनन का एक प्रकार है जो अलैंगिक जनन का अनुसरण करता, गलत बात, ये असेक्सुअल है बट सेक्सुअल का मिमिक है। यस मेरे राजा बेटा, क्योंकि यूनिपेरेंटल है और यहाँ फ्यूजन ही नहीं हो रहा है, तो ये असेक्सुअल है बट लगता कैसा सेक्सुअल, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट सीड है और सीड किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल का, तो ये रॉन्ग आपका हो गया। इट इज ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ बिना मिक्सिस के यहाँ सीड प्रोड्यूस होता है, किसमें, एपोमिक्सिस में, असंग जनन में। वहां आप देखते हो ना कि जो मेगास्पोर है विदाउट मियोसिस, डिप्लोइड मेगास्पोर, डिप्लोइड एग, और डिप्लोइड एग सीधा एम्ब्रियो और सीड, तो वहां आप देखते हैं कि सीड फॉर्म होता है लेकिन वहां सेक्सुअल नहीं है, असेक्सुअल है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो गया, आपसे रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग होते आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया मेरे राजा बेटा, इसको उल्टा करना है। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147, फाइंड आउट करेक्ट मैच, सही मिलान का चयन करो। तो देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो हिमगिरी है ये किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, तो ये वीट की वैरायटी है, यहाँ रॉन्ग हो गया, आपसे करेक्ट पूछा है, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, एटलस 66 हाई प्रोटीन कंटेंट वीट वैरायटी, बिल्कुल करेक्ट है, एटलस 66 गेहूं की उच्च प्रोटीन युक्त किस्म है, ये आपका एनसेट में दे रखा है। गोल्डन राइस
लो कंटेंट ऑफ आयरन और विटामिन डी, गलत बात है ना। सो वैसे विटामिन ए भी वहाँ अच्छा होता है और वो भी अच्छी बात आपकी होती है। फिर देखिएगा यहाँ आपसे पूछा है कि प्रभानी क्रांति वेराइटी ऑफ राइस, जबकि प्रभानी क्रांति लेडी फिंगर भिंडी की आपकी वेराइटी है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड हो गया, बिल्कुल करेक्ट है ना। यस, तो मजे से कुल कुल सब अच्छे हो ना। हाँ, और मेजर को फोड़ना भी, ताकत लगानी है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना, निराश नहीं होना, जीतना है 2021 में। इंडिया के मैप पे अपने अमिट छाप बनानी है मेरे राजा बेटा, रानी बेटी, बिल्कुल क्यूट तरीके से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी भी घर पे हैं आ जाइए, सीकर शिफ्ट हो जाइए, ऑफलाइन प्रॉब्लम काउंटर, हर बात को अच्छा करना है, फोड़ना 2021 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। सारे क्वेश्चन देखो आपके देखे हुए हैं। पोमेटो हैज बीन प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ, पोमेटो किसके परिणाम स्वरूप उत्पादित किया गया था? तो मेरे राजा बेटा देखो, जनरली जहां इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन नहीं होता है तो वहां पर क्या लेते हैं, दो प्लांट सेल ले लिया, जैसे ये पोटेटो की सेल है, ये पोटेटो की सेल है, इस पर ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये आप समझ सकते हैं कि टोमेटो की सेल है और ये सेल वॉल है। फिर दोनों से अपन ने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग प्रोटोप्लास्ट बचेगा, और प्रोटोप्लास्ट को अपन पीजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और आप जानते हैं हल्के मिलीवोल्ट में विद्युत के झटके लेकर अपन फ्यूज कर देंगे, तो वहां प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो गया, तो वो आपका होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां आप समझ सकते हैं कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से ही पोमेटो बनाया गया था। यस मेरे राजा बेटा, बाकी आप समझ सकते हैं यहां तो अंतरजातीय संकरण आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, उत्परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, पुनर्युग्म डीएनए तक नहीं, वहां ऐसा था ही नहीं। ये आपके आप समझ सकते हो कि अच्छे चैप्टर में दे रखा है, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आपको अच्छे से दे रखा है। यस मेरे राजा बेटा, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149। पोलन ग्रेन ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट आर कोटेड बाय कवरिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम वेटिंग, जलीय परागित पादपों के परागण गीले हो और नम होने से बचने के लिए आवतरित होते हैं। आप एक गांठ बांध दो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो सेल बायोलॉजी से, और पोलिनेशन टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी से, पोलिनेशन से ऐसा कोई मुझे ईयर बता देना जहां क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होते लेकिन एक तो मिनिमम मानो। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए पोलिनेशन से। देखो मेरे राजा बेटा, एजेव के द्वारा बहुत ही कम अनुपात प्लांटों में पोलिनेशन होता है, मेनली जैव के द्वारा होता है, बायोटिक ही आप जानते हैं कि वहां सुनिश्चितता होती है, मैं आपको बताऊं, लेकिन एजेव में एयर सबसे इंपॉर्टेंट है, कम है लेकिन एयर, तो वायु परागित जो एयर पोलिनेटेड होते हैं एनिमोफिली, तो पोलन ग्रेन लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और बहुत लार्ज नंबर में होंगे, असंख्य संख्या में, हल्के चिपचिपाट रहित, और वर्तिकाग्र प्लूमोज वहां पर होगी, फिदरी प्लूमोज स्टिग्मा। फिर अपन आ गए यहाँ बायोटिक में, इंसेक्ट में, इंसेक्ट वालों के अंदर आप समझ सकते हो कि पोलन ग्रेन लार्ज थोड़े से होंगे, पोलन किट होगी, चिपचिपे होंगे, स्टिकी होंगे, यस। और अब अगर अपन वाटर पोलिनेटेड की बात करें हाइड्रोफिलिक की, तो हाइड्रोफिलिक में जो पोलन ग्रेन होते हैं ना वो वाटर में है तो वहां गल नहीं जाए, आप समझ सकते हैं उन पर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, म्यूसिलेजनेसिस शीत वाले पोलन ग्रेन वहां पर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर म्यूसिलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्यूटिकल एक्जन इंटाइन का मीन ही नहीं है, आंसर विल बी फर्स्ट। यस, क्वेश्चन आपसे ये पूछा ना, देख लो, गीले होने से बचाने के लिए, वैसे प्लांट पार्ट पे म्यूसिलेज ही होता है, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पोलिनेशन में यही याद करना है, एजेंट क्या है, पोलन ग्रेन के एट्रीब्यूट्स, पोलन ग्रेन की क्या विशेषताएं हैं, स्टिग्मा की क्या है, और बस एग्जाम्पल नहीं आएगा, क्लियर। और रिवार्ड के रूप में वो इंसेक्ट क्या दे रहे हैं, सारी बातें आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 150, विंड पोलिनेटेड फ्लावर आर, ये लो वायु परागित आ गई कि विंड पोलिनेटेड, तो बेटा आप समझ सकते हो कि जो बायोटिक एजेंट से पोलिनेटेड होते हैं, तो बायोटिक एजेंट को फ्लावर को अट्रैक्ट करना होता है, तो वो अट्रैक्टिव होते हैं, फ्रेग्रेंस उनमें सुगंध होती है, वो लार्ज होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट सबसे पहले स्मेल, फिर आप जानते हो कलर, और फिर नेक्टर, और आप समझ सकते हो एबायोटिक फैक्टर वाटर और एयर, स्पेशली एयर से पोलिनेटेड हैं, तो उनको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं किसी को अट्रैक्ट करने की, वो तो आप जानते हो नॉन डायरेक्शनल है, एक महज सहयोगात्मक घटना है, चांस है पोलिनेशन के, वो तो हवा में इधर उधर उड़ते हुए हो सकता है कि स्टिग्मा के संपर्क में आ जाएं। तो जो एबायोटिक एजेंट से पोलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके फ्लोर ना तो लार्ज होते हैं, ना अट्रैक्टिव होते हैं, ना उनमें फ्रेग्रेंस होती, सुगंध होती है, वो बिल्कुल स्मॉल, नॉन फ्रेग्रेंट, और आप समझ सकते हैं कि कलरलेस, यस। तो यहाँ देखिएगा कि स्मॉल सेंटेड हो गया, गलत बात हो गई, सुगंध युक्त नहीं हो सकते, फिर स्मॉल नॉन सेंटेड एंड कलरलेस, ये सही बात होगी, छोटे गंधहीन रंगहीन, ये लो जी, क्योंकि वहां ऊर्जा नहीं लगा, एक आंसर विल बी सेकेंड।
यस मेरे राजा बेटा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 151, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ स्टेमन फिलामेंट विथ इन ए फ्लावर इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नीट 2016 का है और अपने टॉपर बच्चे का एक गलत हुआ था, मेरे को याद आज भी। वहाँ 6 एग्जाम्पल आए थे, उनमें 4 को सेलेक्ट करना था। देखिएगा आपको एंसर ने क्या लिख रखा है कि एक ही फ्लोरल वूल, एक ही फ्लावर में, जैसे एंड्रोसियम है तो एंड्रोसियम पुमंग जो मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमन, एनालॉगस टू माइक्रोस्पोरोफिल, ये स्टेमन। अब स्टेमन ये जो फिलामेंट है, जनरली एक फ्लोर के अंदर जो स्टेमन होते हैं उनके फिलामेंट का सेम लेंथ होती है, बट कुछ प्लांट में वेरिएबल लेंथ होती है। और वहां आपको एनसीईआरटी में दे रखा है साल्विया, साल्विया और मस्टर्ड, सरसों, सरसों और साल्विया में। तो अब मैं बता दूं कि मस्टर्ड फैमिली को पूरा लेना है, और आप जानते हो साल्विया में 4 स्टेमन होते हैं, 2+2, यानी डाई डायनेमस कंडीशन होती है, और मस्टर्ड में टेट्रा डायनेमस कंडीशन होती है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन होती है मस्टर्ड में, यानी यहाँ 6 स्टेमन होते हैं, 2+4, यस। तो वहाँ चतुर्दीर्घी अवस्था आपको दिखेगी, तो यहाँ देखिएगा साल्विया हो जाएगा सलजम, ब्रेसिका ये रापा होता है टर्निप, तो साल्विया टर्निप, आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब यहाँ पर साल्विया आ जाता, सरसों आ जाता तो भी हो जाता, मूली आ जाता तो भी हो जाता, रेफेनस सटाइवा, यस, वो सारे ब्रेसिकेसी फैमिली के सारे हो जाते। ऐसे ही 2016 का वो क्वेश्चन करना दोबारा, आप करोगे ना, पक्का वादा है, हाँ। ऐसे आपको ट्रिक बनानी, एक एक कंसेप्ट पे काम करना था कि आपका छोटा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका के संदर्भ में गलत कथन को आपको सेलेक्ट करना है मेरे राजा बेटा। देखिएगा ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु में सबसे भारी आवरण है, अगर हाँ जो सेल एनवलप है कोशिका आवरण में, उसमें अगर 3 लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट, सेल वॉल और मेम्ब्रेन, सब बैक्टीरिया में नहीं लेकिन है तो सबसे आउटर मोस्ट है, तो ये करेक्ट है। फिर देखिएगा ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी ए लूज सीथ कोल्ड कैप्सूल, गलत बात, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज सीथ है, ढीली आच्छद के रूप में है, तो स्लाइम लेयर होगी ना कि कैप्सूल, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, बी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स मे बी थिक एंड टफ कोल्ड स्लाइम लेयर, ये भी गलत बात होगी, उल्टा हो गया, यहाँ कैप्सूल होता और वहां स्लाइम लेयर होता, तो यहाँ कैप्सूल होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यस, हाँ। ए स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, ये करेक्ट है। स्मॉल ब्रिस्ट लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट द सेल कॉल्ड फिम्ब्री, हाँ अटैचमेंट के लिए बिल्कुल स्प्राउट लाइक और फिम्ब्रीन प्रोटीन की छोटी छोटी असंख्य, तो ये आपकी फिम्ब्री होती है जो अटैचमेंट में पोषी उत्तक से, होस्ट टिश्यू से या चट्टान से अटैचमेंट में हेल्प करती है, तो ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ मेरे राजा बेटा देखिएगा कि ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, डी और ई, ए डी ई है ना, वो तो करेक्ट हैं, रोंग कौन से हैं, बी और सी रोंग हैं, तो बी सी आर रोंग, ऊपर क्या पूछा है, रोंग पूछा है, ध्यान से करना, तो बी सी रोंग, और दूसरा क्वेश्चन भी बना लो, राइट क्या है, राइट का पूछता, तो ए डी और ई क्या है, राइट है, ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, और पूरा दिमाग लगाकर सॉल्यूशन को देखना है, मेजर को बहुत ढंग से आपको करना है। देखिएगा मेरे राजा बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म फॉलोइंग, निम्न में से सत्य का चुनाव कीजिए। ईजी वे के अंदर देखो, मेंजीफेरा इज ए नेम ऑफ फैमिली, मेंजीफेरा एक कुल का नाम है, गलत बात, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा तो जीनस का नाम है। पॉलीमोनियल्स इज ए नेम ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर तो है, दो फैमिली आती है, सोलेनेसी और कॉनवोलेसी, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर बनता है। डाइकोटिलेडोनी इज ए नेम ऑफ डिवीजन, गलत बात, क्लास का नाम है। ट्रिटिकम इज ए नेम ऑफ स्पीसीज, गलत बात, ये जीनस है ट्रिटिकम, है ना मेरे राजा बेटा, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया जाता है। आपके ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले जब आपका नॉर्मल पेपर था उसमें दिया था, लेकिन वहां ऑप्शन दूसरे थे, तो गलत मत कर देना, आंसर आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पढ़ें, यस, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जो कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें अनेक बड़ी केंद्रिकाएं मिलती है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यस। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड, देखो बेटा मेरे राजा बेटा ये यहां तक सही हो गया कि केंद्रिका झिल्ली युक्त संरचना है जो केंद्रक द्रव्य से सतत संपर्क में है, लेकिन आगे आपका आ गया कि वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यस बेटा, यानी यहां पर देखो झिल्ली युक्त आ गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहां देखो द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, यहां तक सही है, बट एज इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है,
और देखिएगा न्यूक्लियोलस इज मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल केंद्रिका होती है, गलत हो गया, क्योंकि केंद्रिका तो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण का स्थल है, प्रोटीन का नहीं। प्रोटीन तो बाहर से कोशिका द्रव्य से आते हैं, फिर राइबोसोम बनता है ना। तो आप समझ रहे हैं कि केंद्रिका है ना, वहां पर आरआरएनए सिंथेसाइज जीन पाई जाती है, फिर वहां आप जानते हो डीएनए से एमआरएनए बनकर बाहर से प्रोटीन आती है 50S, 30S या 60S, 40S की, फिर आपका राइबोसोम बनता है। तो ये यहां पर आरएनए आता ना कि राइबोसोमल प्रोटीन, ये गलत हो गया। फिर देखो न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, यहां तक सही है, विद स्पेस बिटवीन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, गलत बात। केंद्र कारण दो समांतर झिल्लियां, हाँ न्यूक्लियर एनवेलप में दो समांतर झिल्लियां होती है, लेकिन बाहर आउटर प्लाज्मा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, यहां पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दे दिया, ये गलत बात हो गई। द सेंट्रियोल फॉर्म द वेसल बॉडी ऑफ द सीलिया फ्लैजेला, बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल के अंदर कार्टव्हील स्ट्रक्चर होती है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना, और वहां अरेंजमेंट होता है 9 ट्रिपलेट प्लस 0, और जो वेसल बॉडी होती है वहां से एमर्ज होता है सीलिया फ्लैजेला, तो ये वेसल बॉडी में यही ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो एक्जोनी में पार्ट होता है वहां 9 डबल 8 प्लस 2 सिंगलेट आपका होता है, 11 माइक्रोट्यूबुल का होता है। तो यहां पर ये आपका करेक्ट है। तो मेरे राजा बेटा देखिएगा, ए करेक्ट है, यहाँ बी सी और डी रोंग है, तीन रोंग है, तो आंसर क्या हो गया सेकंड, इन तीन स्टेटमेंट आपके यहां पर क्या है रोंग है। अच्छा क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155। इन सेल मेम्ब्रेन एम्फीफेटिक नेचर इज शोन बाई, भाई कोशिका झिल्ली में उभयधर्मी प्रकृति कौन दर्शाता है, एम्फीफेटिक नेचर को कौन शो करता है ना मेरे राजा बेटू, आ जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, उभयधर्मी प्रकृति कौन रखता है, फॉस्फोलिपिड, क्योंकि वो ग्लिसरॉल बैकबोन पे बनते हैं। जनरली जो ग्लिसरॉल बैकबोन होती है, तो ग्लिसरॉल में आप जानते हैं कि तीन जो ग्रुप होते हैं है ना, और जब आप समझ सकते हैं कि उनसे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और उनमें तीन आप समझ सकते हैं कि फैटी एसिड बन जाते हैं एस्ट्रिफिकेशन से। लेकिन मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो डाइग्लिसरिड होते हैं, ग्लिसरॉल बैकबोन के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो फैटी एसिड बना लेते हैं, लेकिन एक आपका फॉस्फेट ग्रुप में। तो ध्यान दीजिएगा मेरे राजा बेटा कि जैसे ये आपके पास में ये ग्लिसरॉल बैकबोन है, अब ग्लिसरॉल बैकबोन पे आप समझ सकते हैं कि इस साइड आपका हो गया ये हेड हो गया, ठीक है, और यहां आप समझ सकते हैं मेरे राजा बेटा कि यहां पर आपका हो गया टेल। अब देखो ये जो हेड है ना, इसमें कोलिन ग्रुप, ये हेड है, ये फॉस्फेट है यानी हेड, तो ये हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही है, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही है, और ये जो टेल है ये फैटी एसिड की है, ये टेल है, और ये टेल फैटी एसिड की है, वसी अम्ल फैटी एसिड, तो आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक है। अब जनरली तो जो लिपिड की नेचर होती है हाइड्रोफोबिक होती है जब ट्राइग्लिसरिड होती है, लेकिन यहाँ पर डाइग्लिसरिड और ये टू फैटी एसिड बट वन फॉस्फेट हेड कोलिन, तो ये आप जानते हो हाइड्रोफिलिक, तो ये एम्फीफेटिक नेचर होगी, उभयधर्मी प्रकृति होगी, यस। तो आप समझ सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड की होती है, प्रोटीन कैसी होती नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की होती है, ट्राइग्लिसरिड, तो आप समझते हैं जनरल लिपिड होते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 156। माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु किस प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। तो मेरे राजा बेटा देखिएगा, माइक्रोट्यूबुल किस प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है माइक्रोट्यूबुल, और माइक्रोफिलामेंट किसका होता है, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, यस। तो यहां देखिएगा कि भाई क्रमशः ट्यूबुलिन एक्टिन रेस्पेक्टिवली, आंसर विल बी फर्स्ट, यस। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका, एक हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, ये संरचना किसको रिप्रेजेंट करती है, देखिएगा एक एमिनो एसिड होता है, उसके अंदर आप समझ सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और एक आप जानते हैं कि उसके अंदर जो आर ग्रुप होता है ना, जो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन आर ग्रुप होता है, और ये आपके उसमें एसेंशियल होते हैं। अब यहां देखिएगा NH2CCOH HCS2OH, यस मेरे राजा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर ये किसका है, सीरीन, सीरीन का है ना, और ये आपको जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ये ग्लाइसिन का सीधा आपको एनसेट ने दे रखा है, तो ये ग्लाइसिन है, तो यहां पर सीरीन और ग्लाइसिन आपका हो जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट, यस। अब नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 158। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, कहां पर होता है, यस मेरे राजा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा
वो एमिनो एसिड के संश्लेषण में, जैसे ध्यान दो, अमोनियम आयन जैसे ही अमोनिया के रूप में अब्सॉर्ब किया, अमोनियम आयन बन गया, या नाइट्रेट के रूप में भी किया तो नाइट्रेट वापस नाइट्राइट और अमोनिया अमोनियम आयन। अभी ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, अमोनियम आयन से तुरंत आपका क्या आ गया, अल्फा कीटोग्लुटेरिक ऑर्गेनिक एसिड, क्रेब्स साइकिल से आ गया अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड। ये देखा ना आपको अच्छे से, अल्फा कीटोग्लुटेरिक 5 कार्बन, ठीक है, और ये टीसीए साइकिल से आया, क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। तो तुरंत आपका क्या बन गया मेरे राजा बेटा, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यहां पर आएगा, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज, और ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज आएगा और तुरंत आप जानते हो कि वहां पर एमिनो एसिड का सिंथेसिस हो गया, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आपका बन गया। एनसीईआरटी की सिक्वेंस है, इक्वेशन है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना मेरे राजा बेटा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 159, तो देखिएगा 159 क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पर डेड्यूस द वैल्यू ऑफ साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल एंड साई पी ऑफ द फ्लसिड सेल इफ इज ऑप इज 30। देखो कितना क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन ईजीए में किसी सलत कोशिका के लिए साई डब्ल्यू और साई पी का मान बताओ यदि उसका ओपी का मान 30 हो। सिंपल बात है मेरे राजा बेटा, देखो एक फ्लैसिड सेल होती है, फ्लैसिड सेल को अपन बोलते हैं सलत कोशिका। इस फ्लैसिड सेल के अंदर इसका टीपी 0 होता है, टीपी क्या होता है 0, ठीक है ना। और कैसे निकालेंगे आप, देखो जनरली जो प्लांट में सेल होती है ना, जनरली जो प्लांट में सेल होती है, तो मैं आपको बता दूं, जनरली सामान्यतः जो प्लांट सेल होती है नॉर्मली, वो नॉर्मली टर्जिड होती है, नॉर्मली टर्जिड। अब नॉर्मली टर्जिड है तो थोड़ा बहुत उसका टीपी क्या है, पॉजिटिव, इनिशियली टीपी पॉजिटिव है, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव है, नॉर्मली टर्जिड है। अब आप समझ सकते हैं कि उसके लिए डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, इट मीन कुछ वैल्यू टीपी की है तो ओपी माइनस टीपी, जो भी वैल्यू आ जाएगी डीपीडी। और साई डब्ल्यू ये मोर रियलिस्टिक है, ज्यादा यथार्थ है, साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीपीडी होता तो इसको अपन लिख दें ओपी, ये भी माइनस का और माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आप कैसे कह सकते हैं, या फिर साई डब्ल्यू बराबर साई एस ऑलवेज नेगेटिव होता ही, और साई पी, ठीक है। अब देखो इस नॉर्मल ट्रेजिड सेल को अपन दो कंडीशन दे सकते हैं, इस नॉर्मल ट्रेजिड सेल को अगर अपन हाइपोटोनिक सेल, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक यानी जिसका ओपी लो है, हाइपोटोनिक सेल सेप के कंपेरिजन में, तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो ये फुली ट्रेजिड हो जाएगी, फुली ट्रेजिड, ठीक है। और इसको अगर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये सेल इनिशियली फ्लैसिड सेल होगी, फ्लैसिड सेल, क्योंकि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा वाटर था वो बाहर आ जाएगा, तो टीपी क्या हो जाएगा 0। अब इसका डीपीडी क्या हो गया, ओपी के इक्वल, डीपीडी बराबर ओपी, या यहां पर साई डब्ल्यू बराबर अपन क्या दे सकते हैं, साई एस, क्योंकि नेगेटिव में होगा सर ये फ्लैसिड सेल। अब अगर अपन ने और कंटिन्यूस इसको, इस फ्लैसिड सेल को कंटिन्यूस अगर अपने हाइपरटोनिक में रख दिया तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड। अब यहां ध्यान दे लो मेरे राजा बेटा कि यहां अगर ओपी 30 है तो ओपी किसके इक्वल है, साई एस, तो साई एस माइनस का 30 है, इट मीन साई डब्ल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 30, क्योंकि सोल्यूट से ही प्योर वाटर का, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 0 होता है, जैसे सोल्यूट ऐड करते जाते हो तो वाटर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होता है, कमी आती जाती है, वो कमी किसके इक्वल होती है, साई एस के, तो वो कमी आते आते ओपी की वैल्यू 30 है, तो ओपी और साई एस इक्वल वैल्यू रखते हैं, बस साइन अपोजिट है, मैथमेटिकली आप जानते हैं ये प्लस और ये माइनस, तो आप समझ सकते हैं साई डब्ल्यू और साई एस, तो माइनस 30 हो गया। अब देखिए यहां साई डब्ल्यू कहां 30, इसी में है ये लो, यस, और जब टीपी 0 हो गया तो साईपी भी क्या हो गया 0, तो साईपी यहां पर क्या है 0, बोलो। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन देख लो, साई डब्ल्यू पहले तो पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन के लिए, और ये पॉसिबल ही नहीं, अगर ऐसा होगा तो साई डब्ल्यू 0 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, आप समझ सकते हैं सीधा आपका आंसर आ रहा है, क्लियर। और वो कभी कभी क्या देता है आपको, 3 सेल जोड़ के ऐसे देता है, एक सेल में आपको बता देता है ओपीटीपी, और एक सेल में आपको यहां तो दे देगा साई डब्ल्यू और साई पी का मान, और यहां दे देगा ओपीटीपी का मान, यहां भी मान लो साई डब्ल्यू और साई पी का दे दिया, तो घबराना नहीं मेरे राजा बेटा, इस ओपी को माइनस कर लो और वही आपके उससे भी आप निकाल सकते हो, या भी डीपीडी निकाल के ओपी माइनस टीपी, डीपीडी निकाल कर उसको साई डब्ल्यू बना लो, फिर आप लो वाटर पोटेंशियल, वो हाई वाटर पोटेंशियल, सॉरी हाई वाटर पोटेंशियल लो की ओर आप फ्लो कर दो, सिंपल बात है
है ना, घबराना कहीं नहीं है, सारे कंसेप्ट अपने वहाँ लिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सारी बातों को इंक्लूड किया है मेरे राजा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 160, मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, है ना। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आराम से देखना। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जनरली फर्स्ट पाथ यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन या कोई भी रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस, वो कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक का। ना वहाँ O2 यूज होती है ना CO2 रिलीज होती है, वहाँ ओनली ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, 2-pyruvic एसिड बन जाते हैं। 6 स्टेप पे ऑक्सीडेशन होता है, तो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन, और वहाँ NAD जो यूनिवर्सल कैटाबोलिक एस्ट्रोसेप्टर है, सार्वभौमिक रूप से कैटाबोलिक S2 ग्राही है यहाँ NAD। तो जैसे ही क्रियाधार हाइड्रोजन रिमूव करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ 2 NAD स्टेप दो बार चलेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 NADH+H+, 2 NADH2 हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। फिर आप जानते स्टेप बढ़ती जाती है, दो जगह आपके SLP सबस्ट्रेट ट्रिपल फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, डायरेक्ट ATP बन जाती है, फाइनली फॉस्फोनोल पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड हो गया। अब इस पाइरुविक एसिड का फ्यूचर डिपेंड करता है O2 पर, अगर O2 रहेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन या मेजोसोम पे, और अगर O2 नहीं है तो एनारोबिक फर्मेंटेशन। तो दो फर्मेंटेशन है, लैक्टिक फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये जो NADH2 यहाँ बनता है, यहाँ हाइड्रोजन डोनर आपका होता है PGL, 6 स्टेप में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट PGL, जब आप जानते हो कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है 6 स्टेप में। तो यहाँ डोनर कौन हुआ, प्रोटॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर PGL है, और यहाँ देखो एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पे पाइरुविक एसिड यहाँ बनेगा एस्टेल्डिहाइड में, एस्टेल्डिहाइड होगा CH3CHO, है ना, यहाँ आपका बनेगा CH3CHO एस्टेल्डिहाइड, और यहाँ देखिएगा यही ये जो है ना ये यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये यूज हो रहा है और वापस NAD रिलीज हो रहा है, तो एथेनॉल प्लस CO2 तो यहीं रिलीज होगी, फिर आपका एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ आते हैं तो रिडक्शन होकर एथेनॉल में चेंज हो गया, यस, तो एथेनॉल प्लस CO2 हो गया। और यहाँ लैक्टिक फर्मेंटेशन में तो 11 स्टेप होती है डायरेक्ट, देखो ये NADH2 यहाँ यूज हो गया ना, तो ये लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक फर्मेंटेशन हो गया, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, तो यहाँ NAD आएगा, यहाँ एल्कोहल एथेनॉल आएगा, और यहाँ लैक्टिक एसिड आएगा, सीधा सीधा पड़ा है NAD एथेनॉल लैक्टिक एसिड, यस, आंसर विल बी फर्स्ट, अच्छा है ना। और मैं कई बार क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहलिक किनोन में हाइड्रोजन डोनर कौन है, PGL है बेटा, कई बच्चे भावुक बन जाते हैं कि ये NAD होगा, अरे भाई मैंने 100 रुपये दिए आपको दे दिए, आपने किसी गरीब आदमी देकर आ गए, तो गरीब आदमी लेने वाला है, मैं देने वाला हूँ, तुमने तो एक बार लिए और वापस दे दिए, हाँ है ना, तो आप समझ रहे हैं कि ये NAD तो एक्सेप्टर है, फिर वापस देखो वहाँ दे रहा है, बस इतना ही काम है, यहाँ देने वाला PGL है, लेने वाला एस्टेल्डिहाइड है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। खैर ये क्वेश्चन मैं खूब देता हूँ यहाँ से, तो मजे से आपको क्वेश्चन को करना है, कोई कन्फ्यूज नहीं, कोई डाउट नहीं, दिमाग लगाना है, आंसर पाना है। और एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो फिर आप एक पाइरुविक एसिड से एक बार लिंक रिएक्शन करा दो, एस्टेल कोएंजाइम एक से एक क्रैब चला दो, ग्लूकोज के रेफरेंस में लिंक और क्रैब को दो बार चला दो, ईजी वे के अंदर फर्मेंटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लो, यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161, इफ डीकम्पोजर आर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम फंक्शनिंग इज बैडली अफेक्टेड बिकॉज, यदि पारितंत्र से अपघटनकर्ताओं को पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया जाए तो पारितंत्र की कार्यकी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई आप दिमाग लो, डीकम्पोजर हर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी लेते हैं, जैसे प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, और कंज्यूमर में मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर, किसी की भी डेथ होगी, यस, डेथ होगी तो डेट्रिटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, और डेड ऑर्गेनिक मैटर में कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल जटिल एगुलनशील ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, सेलुलोज प्रोटीन, पहले बैक्टीरिया फंजाई उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में ग्लूकोज अमीनो एसिड एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन करेंगे, और फाइनली इनऑर्गेनिक में चेंज करेंगे, इनऑर्गेनिक में करने तो स्टैंडिंग स्टेट बनेगी, और फिर इनपुट होगा इकोसिस्टम में वाटर, मिनरल, प्लांट को मिनरल मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ द मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये होगा, खनिजों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, यस, तो आप समझ सकते हैं थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162, और 162 है विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन से खतन सही हैं, ध्यान देना, हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है, उष्मा की हानि या उष्मा आप जानते जो गेन होता है वो सरफेस एरिया का फंक्शन है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन सरफेस एरिया,
अच्छे से जानते हो, बर्गमान का रूल है ये। इसलिए छोटे जीवों का उनके आयतन की तुलना में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में स्मॉल का सरफेस एरिया ज्यादा, इसलिए ठंडे प्रदेशों में नहीं होते हैं, कोल्ड रीजन में नहीं होते हैं, बर्गमाने का आता। और आप समझ सकते हैं कि बड़े का वॉल्यूम के कंपैरिजन सरफेस एरिया कम हो जाएगा। यस, ये करेक्ट है। फिर देखिएगा अनफेवरेबल कंडीशन में जू प्लैंकटॉन इस एंट्री टू डाइपोज कंडीशन, बिल्कुल सही है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता तो सस्पेंड निलंबन की एक विधि है, और सस्पेंड में ये जो जू प्लैंकटॉन है ये अपने डेवलपमेंट की स्टेजेस को रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं, और आप जानते हैं कि डाइपोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी करेक्ट है। डेजर्ट लिजार्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू डील द हाई टेम्परेचर, रेगिस्तानी छिपकली में उस तापमान को नियमित करने के लिए कार्य की क्षमता नहीं होती है। आप जानते हो तो बिहेवियरल चेंज आपके करते हैं। यस, मैमल इन कोल्डर क्लाइमेट ऑलवेज फॉलो एलेंस रूल, सही बात है। ठंडी जलवायु में पाए जाने वाले स्तनधारी, तो देखो बर्गमान ने कहा था कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो स्तनधारी उनका आकार बड़ा होगा, लेकिन जो शरीर के उपांग है, एक्सट्रीमाइटीज शारीरिक उपांग है, ईयर पिना कान पूंछ या जो पैर होते हैं वो छोटे होंगे, टांगे छोटी होंगी। तो आप समझ सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स में समझाया है, मजे से आपको वो वीडियोस देखकर आपको दूर करना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बात को समझ रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन आपका 162 है, इसका जो आपके सामने आंसर होगा तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से निकालना है। यस मेरे राजा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। 4 के 4 स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, 4 के 4 सही हैं। क्योंकि यहाँ देखो कि कार्य की क्षमता नहीं होती, बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है, वो धूप में जाती है ना, हाँ, तो वहाँ आप जानते हो कि बिहेवियरल एडेप्टेशन करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। यस, तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 163। यस मेरे राजा बेटा, तो यहाँ देखिएगा कि 163 क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्यूलो वायरस एज बायो कंट्रोल एजेंट इज आर करेक्ट। बैक्यूलो वायरस एक जैव नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा खतरनाक सत्य है, जानते हो बैक्यूलो वायरस एनपीवी न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस इस जीनस से है, और ये टारगेट ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, नैरो स्पेक्ट्रम यानी बहुत ही संकीर्ण, यानी टारगेट पे डायरेक्ट आपका कंट्रोल करता है, अटैक करता है, स्पेशली इंसेक्ट पर, है ना। तो बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, बिल्कुल सही है ये बैक्यूलो वायरस का। फिर देखो आपको इंसेक्ट ने दे रखा है, दे डू हार्म प्लांट मैमल बर्ड फिशेज एंड अदर नॉन टारगेट, ये गलत है। ये पादप पक्षी स्तनधारी मछली और अन्य नॉन टारगेट जीवों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, कभी नहीं पहुंचाते हैं, नॉन टारगेट पे करते ही नहीं है, जबकि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट रीजन होते हैं, उच्च जैव विविधता क्षेत्र होते हैं, वहां पर इनको यूज किया जाता है, क्योंकि नॉन टारगेट खत्म नहीं हो, जैव विविधता बनी रहे, इसलिए यही तो इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, सबसे बड़ा है। तो ये गलत तो आपका हो गया। फिर देखिएगा, मोस्ट ऑफ दीज बायो कंट्रोल एजेंट बिलोंग टू द जीनस न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस, ये करेक्ट है, सी करेक्ट है आपका। बैक्यूलो वायरस आर द हेल्पफुल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम इन विच बेनिफिशियल इंसेक्ट आर कंजर्व, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट को ही खत्म करेगा, नॉन टारगेट को तो बेनिफिशियल खत्म नहीं होंगे। और ये स्पेशली बायो कंट्रोल एजेंट का, स्पेशली आप जानते हो कि IPM, क्योंकि यहाँ पर केमिकल इंसेक्टिसाइड को यूज नहीं किया जाए, और केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करने से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो ये भी करेक्ट है। आपसे पूछा सही विकल्प बताओ, केवल एक गलत है, बी, तो ACD, ACD का थर्ड आंसर आपका, आपका ACD का क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 164, मैन एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन आप देखते हो मेरे राजा बेटा, DNA से mRNA का बनना, DNA अपनी सूचनाओं को mRNA पे छापता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट है एंजाइम, ब्लूप्रिंट ऑफ एंजाइम कौन है, DNA, तो DNA से जब mRNA पे सूचना आती है कोडोन फॉर्म में, तो उसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो वहां एंजाइम आपका होता RNA पॉलीमरेज, लेकिन वो DNA पे डिपेंडेड होता है, तो आप समझ सकते हैं कि DNA डिपेंडेड RNA पॉलीमरेज, आंसर क्या हो गया, सेकंड, DNA डिपेंडेड RNA पॉलीमरेज। यस मेरे राजा बेटा, तो आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड यहां पर हो गया, अच्छे से आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 165, रीजन ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन नेचुरल इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू गोसे प्रिंसिपल, गोसे के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक पारितंत्र में जाति विलुप्तता का कारण क्या है। तो आप जानते हो गोसे ने क्या कहा था, कि जब दो निकट संबंधी जातियां क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्सेज को शेयर कर रही है, साझा कर रही है, और समान प्रकार के संसाधन और सीमित हैं, तो आप जानते हैं कि अंत समय तक वो साथ नहीं रह सकती, किसी एक को एक्सक्लूज होना पड़ेगा, वहां से बहिष्कार या निष्कासन होना पड़ेगा। गोसेज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2014 में क्वेश्चन आया नीट में, फिर दोबारा आया कि प्रिंसिपल किसने दिया, GF गोसे ने।
तो आप जानते हो वहां कॉम्पिटिशन को वो शो करता है, प्रतिस्पर्धा। आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 166, यहां देखिएगा प्राथमिक उत्पादक प्रोड्यूसर है ए, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता दे दिया। तो देवड़ा की जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, ऑलवेज और ऑलवेज ग्रीन प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो यहां प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी है, प्लांट्स हैं, या जो भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। फिर प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट, अब मान लो कि ग्रास लैंड है तो यहाँ घास है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गई। फिर रैबिट है, रैबिट को आप समझ सकते हो कि यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वॉल्फ भेड़िया हो सकता है, और यहाँ देखो टर्सरी टाइगर लॉयन हो सकता है। अब देखो यहाँ आंसर फर्स्ट ए ग्रास, बी वॉल्फ, सी लॉयन, 100% करेक्ट है फर्स्ट आंसर। क्योंकि देखिएगा ए ग्रास लैंड हो सकता है, ये रैबिट हो सकता है, फिर आप जानते हैं कि बी यहाँ वॉल्फ जो प्राइमरी कार्निवर्स होगा, फिर लॉयन आप टॉप कार्निवर्स होगा। देखिएगा ये नहीं हो सकता, ट्री तो हो सकता है बट गोट, गोट यहाँ थोड़ी, रैबिट के बाद गोट थोड़ी आएगी फूड चेन में, ये तो दोनों ही हर्बीवर्स हो गई, ये नहीं हो सकता। ए फाइटोप्लैंक्टन पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, बहुत अच्छा ये फूड चेन है, ग्रास लैंड की फूड चेन है, यस। और इजी वे में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 167, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज पास्ड द वाटर प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब दिया, 1974 में। आपको अच्छे से सारे याद कर लो, सारे एक्ट याद कर लो। 1981 में आप जानते हो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल था ही, और वो सॉरी 1986 में, और नॉइज को 1987 में इंक्लूड कर लिया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका 1986 था ही, और ये आप समझ सकते हो वाटर प्रिवेंशन एक्ट है ही, यस। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बींग ड्राइवन टू एक्सटेंशन, जंतु और पादपों की विलुप्ति का सबसे मुख्य कारण क्या है इसमें। देखो बेटा एविल क्वार्टेट होती है, चार बुराइयां होती है, ये नीट 2017-18 में क्वेश्चन आया था कि जैव विविधता सती, बायोडायवर्सिटी लॉस का सबसे प्रमुख कारण क्या है, मेजर जो इविल क्वार्टेट है चार बुराइयों में सबसे मेजर कौन है, और एनसीईआरटी में सीधी लाइन लिख रखी है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। तो आप जानते हो ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं है, एलियन इन्वेजन नहीं है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। हालांकि चारों के चारों बायोडायवर्सिटी लॉस के कारण है, कॉज है, बट आप जानते हैं पहली प्रायोरिटी पे आपका आता है ये, फिर आपका आता है, आपको मैं बता दूं यहाँ जो एलियन इन्वेजन, फिर ओवर एक्सप्लोटेशन, फिर कोएक्सटेंशन आपका आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड, यस। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट बोल्टिंग प्लांट, निम्न पादप वृद्धि नियामकों से कौन सा पादपों में बोल्टिंग को प्रेरित करेगा। देखो बेटा दो चीज आपकी होती है, एक आपका होता है रोजेटी, रोजेटी हैबिट होता है, रोजेटी स्वभाव। जैसे आप जानते हो पत्ता गोभी पहले ऐसे खुली होती, फिर एकदम पैक हो जाती है गांठ की तरह, तो यहाँ पत्ता गोभी अच्छे से पैक हो गई, बट आप जानते हो कि ये तो रोजेटी इफेक्ट हो गया, ठीक है, ये पत्ता गोभी अच्छे से पैक हो गई। लेकिन जो कैबेज है वो बाइनियल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है, तो आप जानते हो फिर अगर अपन उसके सीड चाहिए तो सेकेंड सीजन में वो खुलेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी, और वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी और वो खुलेगी, और फिर ऐसे इन्फ्लोरेंस आएगा उसमें, इन्फ्लोरेंस, यस। तो उसको आप कहते हो बोल्टिंग इफेक्ट, और बोल्टिंग को कौन प्रेरित करता है, बोल्टिंग को जिब्रेलिन हार्मोन प्रेरित करता है, कौन करता है भाई, जिब्रेलिन। तो आंसर विल बी 4, यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170, ए सिंपल मैकेनिकल टिश्यू विच हाई रिफ्रैक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस आइदर एज ए होमोजेनस लेयर और इन पेचेज हूज सेल वॉल ऑफ सेल्स पैक्टोसोलॉजिक अनलिग्निफाइड थिकनिंग ऑफन टू कॉर्नर्स विच इज प्राइमरी इन नेचर एंड प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू वेरियस ग्रोइंग प्लांट ऑर्गन्स। आप समझ सकते हैं कि उच्च अपवर्तनांक सरल यांत्रिक उत्तक आ गया, अधिचरम के नीचे समांगी या टुकड़ों के रूप में। तो आप डाइकोट स्टेम में देखते हैं, डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस पेरेन्काइमा होगी, जस्ट बिलो एपिडर्मिस जो हाइपोडर्मिस होती है वो पेचेज या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, और वो कोलेनकाइमा होती है, कोलेनकाइमा की बनी होती है, कोलेनकाइमेटस होती है। तो यहाँ कोलेनकाइमा की बात हो रही है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो कोलेनकाइमा होता है वो ओनली डाइकोट स्टेम और वो भी यंग पार्ट स्टेम या पेटियोल और वो भी ओनली एरियल पार्ट पे। कोलेनकाइमा कभी मोनोकोट में नहीं होता, डाइकोट में होता, अंडरग्राउंड पार्ट पर नहीं होता है, रूट में कभी नहीं होता है, एरियल पार्ट में होता है, एरियल पार्ट में भी जो स्टेम है बेस पे नहीं होता, पेटियोल पे होता है या लीप मार्जिन में होता है कोलेनकाइमा। और आप जानते हैं कि एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है तो फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करता है, ये सारी बात है। इसके बाद आप जानते हैं कि कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है तो कॉर्नर पे अनइक्वल थिकनिंग वहां पर होती है, अनइक्वल थिकनिंग होती है, और अनइक्वल थिकनिंग में वहां मेनली पेक्टिन और सम अमाउंट ऑफ हेमिसेलुलोज,
ये होता है, बट लिग्निन नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा यांत्रिक उत्तक है जो लिविंग है और वहां लिग्निफाइड नहीं है। जनरली जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं वो डेड हैं, इसलिए मैन डेड मैकेनिकल टिश्यू जो है वो स्क्लेरेनकाइमा है, बट यहां पर आपका आंसर होगा कोलेनकाइमा। यस, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। स्टडी द गिवन एल्गी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए सवाल का अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ये फ्रेम किया है और हर आपको एग्जाम में जो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सबके आंसर आप पाओगे यहाँ पे। देखिएगा, सबसे पहले ये जो आपको कॉलोनी नजर आ रही है, आप जानते हैं कि ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, ग्रीन एल्गा है, कॉलोनियल ग्रीन एल्गा वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें सेल का नंबर डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। आप जानते हैं 8 से लेकर 64 तक सेल होती है, सभी सेल का साइज सेम होता है। ऐसी कॉलोनी को अपन सिनोबियम बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि बाइफ्लेजिलेटेड सेल्स होती हैं, सारी सिमिलर साइज की होती हैं। तो नेम ऑफ द एल्गी वॉलवॉक्स। यस, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप जानते हैं कि वॉलवॉक्स के अंदर आप देखो क्लेमेडोमोनास की एक जाति में आइसोगेमी, फिर एनाइसोगेमी और उगेमी तीनों शो करता है अलग अलग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवोल्यूशन उसने बताया, लेकिन वॉलवॉक्स में आपकी होती है उगेमी। तो यहां पर आप जानते हो कि वॉलवॉक्स में, फ्यूकस में उगेमी होती है, उगेमी अंड युग्मकी, है ना। मेल गैमेट मोटाइल स्मॉल होता है, फीमेल लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो उगेमी हो गई। नेम ऑफ डिवीजन क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइटा हो गया। स्टोर फूड सिंपल स्टार्च यहाँ का स्टोर फूड होता है, आप जानते हो कि ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी क्लास है, क्लोरोफाइटा डिवीजन है। तो वहां आप जानते हैं कि सिंपल स्टार्च स्टोर फूड होता है, क्लोरोफिल ए बी होता है और सेलुलोज पेक्टिन की सेलवाल होती है। तो सारी बात, सेवाल का नाम वॉलवॉक्स, लैंगिक जन का प्रकार उगेमी अंडयुग्मकी, प्रभाग का नाम क्लोरोफाइटा, संचित भोजन स्टार्च। आ जाइए वॉलवॉक्स आइसोगेमस क्लोरोफाइटा स्टार्च, सारे सही हैं, ये गलत हो गया। वॉलवॉक्स उगेमस, ये सारे सही हैं, आंसर विल बी सेकंड। आगे क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि क्लेमेडोमोनास और वो दे रखा है। तो आपका आंसर कारार क्लेमेडोमोनास दे रखा है जबकि वॉलवॉक्स है, आंसर सेकंड होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मस्त है। ऐसे आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, अच्छे से आपको ध्यान देना है मेरे राजा बेटा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड डू एज आस्क नेक्स्ट टू देम। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में निम्न कथन पढ़िए और उसके बाद जैसा कहा जाए वैसा करिए। ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लोडिस्पोर, गलत बात। बीजाणुद्भिद की सारी कोशिकाएं न्यूनकारी विभाजन से अगुणित बीजाणु उत्पन्न करती, गलत बात। क्योंकि जो स्पोरोफिट होता है, फुट सीटा कैप्सूल, जो फुट सीटा और कैप्सूल होता है उसमें फुट की सेल टूएन कभी नहीं जाती, सीटा की नहीं जाती, कैप्सूल में भी ओनली स्पोर जिनस सेल में जो स्पोर मदर सेल होती है, तो स्पोर मदर सेल साइट ऑफ मियोसिस होती है, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक होती है, बीजाणुवृद्धि की अंतिम कोशिका होती है, इसलिए सारी नहीं जाती, गलत हो गया। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बैरन रॉक, ये नग्न चट्टानों पर पादप अनुकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सही है। द प्लांट बॉडीज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट या इरेक्ट हो सकती है मोसेज में, अटैच टू द सबस्टेटम बाई यूनिसेलर, लीवर वट में यूनिसेलर राइजोड होते हैं और मोसेज में मल्टीसेलर राइजोड होते हैं, ये करेक्ट है। और फिर आप जानते हो दे प्रिवेंट सोयल इरोजन, ये भी करेक्ट है, मृदा अपरदन को रोकते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण में लाइकेन के साथ समस्त मोस आए, उन्होंने चट्टानों का अपक्षय किया, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाया और स्थली पादपों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, ये सारी बात सही है। सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलर, मल्टीसेलर सही है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कोल्ड आर्किगोनियम एंड एंथ्रिडियम रेस्पेक्टिवली, गलत बात। यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है, तो इसको उल्टा आपको दे दिया तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ ए और ई गलत है, आपसे पूछा सही नहीं है, आर नॉट करेक्ट, इट मीन इनकरेक्ट है, तो दो इनकरेक्ट है, आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट। यस मेरे राजा बेटा, बात क्लियर। काम से काम करना है, इसमें राइट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने हैं, दिमाग से काम करना है, एनसीईआरटी को खोल के काम करना है, मजा आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 173। पहले 173 की बात करते हैं, तो निम्न खतनों पर आप ध्यान दीजिए ना। देखो मेरे राजा बेटा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटना है। अगर ये नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान -18 होता जो अभी 15 पे है। यस, तो ये नेचुरल है, करेक्ट है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज ऑल्सो नोन एज बैड ओजोन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बेटा, जनरली ओजोन है ना वो दो टाइप की होती है, अपने आसपास जो एनवायरमेंट में ट्रोपोस्फीयर में सौभ मंडल में बैड ओजोन है क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्लांट के लिए टॉक्सिक होती है, तो वो ETS को प्रिवेंट करती है, वो बैड ओजोन है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर है
समताप मंडल के ऊपर, ओजोन मंडल, ओजोन स्पियर, वहाँ ये गुड ओजोन है, क्योंकि जो सन से यूवी रेज आती है जो अपने लिए बहुत लेथल हो सकती है, घातक या बेकार होती है, उनको प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजेजिंग ऑफ लेक मैक्स बाई न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। झील के जल में पोषक प्रचुरता के कारण झील का काल प्रभावन सुपोषण कहलाता है। ये 100% करेक्ट है। मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर, ये इनसाइड स्टेटमेंट है, मोर देन नहीं आएगा, लेस देन। 2.5 या 2.5 से कम माइक्रोमीटर आकार के जो कण होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट आपका हो गया। अब देखिएगा यहां से आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कितने हैं। यस मेरे राजा बेटा, यहां इनकरेक्ट एक स्टेटमेंट आया, बाकी बताओ मुझे ए बी सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। तो कितना स्टेटमेंट, एक। आंसर क्या आया, एक। यस हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 174, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र में ए बी तथा सी को पहचानिए। मेरे राजा बेटा, आपको पता है कि डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए का डायमीटर तो 2 नैनोमीटर होता है, लेकिन लेंथ 2.2 मीटर आती है, क्योंकि अपन उसके बेस पेयर के अकॉर्डिंग 6.6 × 10⁻⁹, 0.34 × 10⁻⁹, तो 2.2 उसकी लेंथ आती है मीटर में। अब 2.2 का डीएनए थ्रेड है, ये कैसे माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में अरेंज होगा। तो सबसे पहले वहाँ पर न्यूक्लियस में स्टोन प्रोटीन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक टाइप के होते हैं स्टोन, जो 5 टाइप की स्टोन थे, लेकिन उसमें 4 टाइप की स्टोन जो होती है S2A, S2B, S3, H4, इनकी डबलिंग होती है और स्टोन ऑक्टामर बनता है। स्टोन ऑक्टामर पे डीएनए थ्रेड रैप्ड होता है, और जब डीएनए थ्रेड रैप्ड होता है तो आप जानते हैं कि ये डीएनए थ्रेड है, देखो ये डीएनए थ्रेड आ गया पीछे से, ये तो यहाँ ए क्या है, डीएनए थ्रेड है, ये रैप्ड हो रहा है स्टोन ऑक्टामर के। और आप समझते हैं कि 1/3/4 टर्न होता है, अबाउट 200 बेस पेयर होते हैं। और यहाँ देखिएगा, मैंने कहा था ना S2A, S2B, S3, H4 × 2, ये स्टोन ऑक्टामर होता है, टाइप ऑफ स्टोन 4, नंबर ऑफ स्टोन 8, बाकी H1 यहाँ पर यूज नहीं हुआ, तो H1 यहाँ लिंकर स्टोन है, ये देखिए लिंकर स्टोन है, ये H1 है। बट आपसे पूछा है ए डीएनए, बी स्टोन ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर, और आपसे पूछा है सी, तो ये H1, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर ले लीजिएगा, डीएनए स्टोन ऑक्टामर, H1 स्टोन, आंसर विल बी सेकंड, करेक्ट है ना। और ये आपके डीएनए पैकेजिंग मॉलिक्यूलर में भी काम का है, और आप समझ सकते हैं सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेल साइकिल से पहले भी आप ये करते हैं डीएनए की पैकेजिंग। और आपको मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिवली चार्ज 2.2 मीटर की इसकी लेंथ आती है, तो कैसे पैक हो माइक्रोमीटर में, ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। हाँ, तो मेरे राजा बेटा, रानी बेटा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 175, और 175 में द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए प्रभाव आरेख जैव अणुओं के बीच आनुवंशिक सूचनाओं के प्रभाव को दर्शाता है, ए बी सी व डी की प्रक्रिया को पहचाने और सही विकल्प को चुनिए। यस मेरे राजा बेटा, तो आपको पता है द ब्लू प्रिंट ऑफ एंजाइम डीएनए है, सारे एंजाइम बनने की जो सूचना होती है डीएनए के पास ही होती है, और डीएनए अपनी सूचनाओं को एमआरएनए पर छापता है, और आप जानते हैं कि एमआरएनए पर वो कोडोन फॉर्म में आती है, फिर एमआरएनए पर राइबोसोम की छोटी पिकाई फिर बड़ी पिकाई आती है, तो एमिनो एसिड फॉर्म होता है, फिर वो जुड़ते जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण होता है। तो आप कहते हैं ना सेंट्रल डोगमा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होना ट्रांसलेशन। यस, लेकिन आप जानते हैं कि जनरली जो लिविंग सेल होती है, बैक्टीरियम सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, वहां तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरसेज में आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल, तो पहले आरएनए से वापस डीएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और फिर आप समझ सकते हैं कि आगे इन्फॉर्मेशन चलेगी। तो देखिएगा यहाँ ये हो रहा, तो ये तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ ए क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन दो ऑप्शन में है। फिर आप समझ सकते हैं कि बी, तो डीएनए से एमआरएनए बनना, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, अनुलेखन है, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये ट्रांसलेशन है, और ये देखो एमआरएनए से वापस डीएनए बनना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ आंसर देखिए थर्ड हो जाएगा, यस क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 176, इन जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगार एगरोजेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, द स्टेप इज नोन एज। आप जानते हो डीएनए के जो टुकड़े होते हैं छोटे और बड़े साइज में अरेंज होते हैं, एगरोजेल जो आप अच्छे से जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस वहाँ अध्ययन करते हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इल्यूशन कहते हो, इल्यूशन यानी शालन, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन बेटा 177,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सक्सेशन, अनुक्रमण के बारे में सही क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली वेरी फास्ट, गलत है भाई। किसी भी बेर एरिया में या फिर किसी भी आवास में जो फर्स्ट आपकी कम्युनिटी आएगी वो कभी भी नहीं, पहले स्लो स्लो आपका आएगा, फिर आप जानते हैं कि आगे सक्सेशनल स्टेजेज आएंगी। डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग सक्सेशन क्रिएट ए न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज द एलिमिनेटेड अदर स्पीसीज। अनुक्रमण के दौरान बाधाओं से नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य जातियां हतोत्साहित होती है या निष्कासित हो जाती है। आप अच्छे से जानते हैं मेरे राजा बेटा कि जो सक्सेशन होता है वहां देखिएगा, जैसे कि लाइकेन मॉस हर्ब ग्रास आ गई तो ग्रास के पार्ट की डेथ ही होगी, तो ग्रास का तो वहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आगे वहां पर सर्ब और बाद में ट्रीज आ जाएंगे। तो ये आपका 100% एनसीईआरटी लाइन है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। फिर देखिएगा पाइनियर कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी, गलत बात। किसी बेर एरिया में जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है उसको आप बोलते हो पाइनियर कम्युनिटी, वो यहां पर दे दिया मोस्ट स्टेबल, सबसे स्थायी पॉसिबल ही नहीं है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो चरम समुदाय होता है सबसे स्टेबल होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्पीसीज कॉम्पोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट, गलत बात। जैसे जैसे सक्सेशन होता है देखिएगा, सबसे पहले सक्सेशन की फर्स्ट पाइनियर प्लांट, फिर सीरियल स्टेजेज और फिर आपका आता है क्लाइमेक्स। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे सक्सेशन होता है ना तो बायोडाइवर्सिटी ये सब कुछ क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, है ना। स्पीसीज कॉम्पोजिशन भी इंक्रीज होता है, बायो मास भी इंक्रीज होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा ट्रू, तो ट्रू आपका ओनली सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छा है, ग्रिफिथ ने आप जानते हो कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने में आया था, फिर एवरी मैकलाउड मैकार्टी भी वहां पर आए थे। देखिए बेटा आप समझ सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन थे वहां पे, एक आर सेकेंड आर स्ट्रेन था रफ और वो नॉन विरुलेंट था, नॉन पैथोजेनिक एरोकारी। एक एस स्ट्रेन था एस थर्ड, वो विरुलेंट था पैथोजेनिक था, क्यों? कैप्सुलेटेड थे, कैप्सुलेटेड। यस, अब आप जानते हो सबसे पहले आर स्ट्रेन को अपन ने इंजेक्टेड किया, एक माइस को लिया, माइस में इंजेक्टेड किया, तो माइस हेल्थी था, लाइव था क्योंकि उस पर जीवित था, क्योंकि न्यूमोनिया नहीं हुआ क्योंकि वो नॉन विरुलेंट था। फिर एस थर्ड को इंजेक्टेड किया था तो माइस की डेथ हो गई थी ड्यू टू न्यूमोनिया, ठीक है। फिर आप जानते हो कि इस एस थर्ड फॉर्म को हीट किल्ड कर दिया, है ना, हाई टेम्परेचर देकर इसको हीट किल्ड और इनएक्टिव कर दिया, मर गए, इनएक्टिव हो गया। अब इस इनएक्टिव एस थर्ड को माइस में इंजेक्टेड किया तो उसकी डेथ नहीं हुई, वो जीवित था, न्यूमोनिया नहीं हुआ। अब देखिएगा आपका आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, या जो आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन है आर सेकेंड, देखो आर से माइस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था और हीट किल्ड एस से भी नहीं हो रहा था, हीट किल्ड एस थर्ड से भी नहीं हो रहा था, बट इन दोनों को मिक्स करके, इंजेक्शन मिक्स करके जैसे ही माइस में इंजेक्टेड किया तो माइस की डेथ हो गई थी। और जब माइस के ब्लड को एग्जामाइन किया, उसके खून की जांच की, ब्लड को एग्जामाइन किया तो उसमें एस फॉर्म मिली, तो ऐसा क्या हुआ? तो देखिए बेटा, एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन मेथड है जीन ट्रांसफर का, और यहां जीन ट्रांसफर जो आउटर मीडियम है, सॉल्यूशन है, उससे डीएनए को पिक कर रहा है। तो देखिएगा कि एस थर्ड जनरली इनएक्टिव हो गया था, डेथ हो गई थी हाई टेम्परेचर से, लेकिन जैसे आर सेकंड और एस थर्ड को मिला के डाला तो आप जानते हैं उस एस का जो डीएनए वो पिक कर लिया किसने, आर ने, और आर एस में चेंज हो गया तो माइस की डेथ हो गई और उसके ब्लड में एस मिला। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था। अब पता लगाया कि ये किसके कारण हुआ, तो फिर क्या किया कि आगे एवरी मैकलाउड मैकार्टी ने, उस ग्रिफिथ ने कहा था कि कोई केमिकल रिलीज हुआ, AIPMD 2014 में ग्रिफिथ का क्वेश्चन आया है, तो कोई केमिकल एक्सक्रेट हुआ है, निकला है जो एस से आर में गया है, लेकिन बाद में आगे किसने बताया कि वो डीएनए था, तो एवरी मैकलाउड मैकार्टी ने क्या कहा कि ये एक्सपेरिमेंट है रियल में ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर उन्होंने आरएनएस डाला, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो आरएनए डाला तो इफेक्ट ही, ये चेंज ही नहीं हुआ, जो हो रहा था इसका मतलब आरएनए तो नहीं है। फिर प्रोटीएज डाला तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन डीएनए डालते इफेक्ट हुआ, इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, और वो जो मीडियम से पिक हुआ है वो डीएनए है। तो आप समझ सकते हैं, देखो प्रोटीएज से इफेक्ट नहीं होगा, आरएनए से इफेक्ट नहीं होगा, किससे इफेक्ट होगा, डीएनए से इफेक्ट होगा। यहां पर ये तो है डिड नॉट इफेक्ट, तो 1 और 2 आंसर विल 4। मस्त क्वेश्चन है, पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 179, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल विल बी एग्जैक्टली सेम। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपने ह्यूमन में किसी भी सेम नहीं आती है, हाँ अगर एग्जैक्टली सेम कब आएगी, सिबलिंग में नहीं आएगी, नई ऑप्शन में नहीं आएगी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस।
भाई देखो, एक मेल यानी फादर से स्पर्म आया, मदर से ओम आया, और फ्यूज होते ही स्पर्म और ओम का फ्यूज हुआ, फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होते ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जायगोट बना। अब देखो यहाँ जायगोट में ही पार्सली डिवीजन होकर दो टाइप के एम्ब्रियो बनकर शिशु बन गए, तो यहाँ एक ही जायगोट से है ना, तो आप समझ सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यहाँ पर आपका होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यस, तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं मेरे राजा बेटा, मस्त तरीके से आपने सॉल्यूशन किया, अच्छे से आपने एनसीईआरटी सीक्वेंस को पढ़ा, मेजर में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मस्त रहना है। क्वेश्चन 180 बहुत अच्छा क्वेश्चन, ए प्लाज्मिड हैज टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वन फॉर एम्पिसिलिन एंड वन फॉर द टेट्रासाइक्लिन, इट इज ट्रीटेड विद रेस्टिकेशन एंजाइम दैट कट इन द मिडिल ऑफ द एम्पिसिलिन जीन, डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग ए ह्यूमन ग्लोबिन जीन वर कट विद द सेम एंजाइम, द प्लाज्मिड एंड फ्रेगमेंट आर मिक्स्ड treated with ligase and used to transform bacterial cell that haven't taken up the recombinant DNA or one that. एक प्लाज्मिड में एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिजोइक प्रतिरोधक जीन पाई जाती है, जानते हो ना बेटा, आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस जीन होती है, और आपको अच्छे से बायोटेक के अंदर डायग्राम भी बता रखा है, ये देखो जो PBR 322 है, तो यहाँ पर देखिए दो जीन, जो एम्पिसिलिन है ये टेट्रासाइक्लिन है, ये रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, और ये देखो रॉप, समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए एक लाइन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये रोप को आप जानते हैं, ओराई साइट आप अच्छे जानते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मिड होता है वो स्मॉलर होता है, डीए सर्कुलोडीन होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, तो सेल्फ रेप्लिकेटिव के लिए देखो रोप होता है, और रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग के लिए ओराई साइट ओरिजिन ऑफ ये जरूरी है, तो ये बात आपकी होगी। अब देखिए एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आपको समझ में आया, अच्छे से आप जानते हैं PBR 322 का डायग्राम, और यहाँ क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाई रेस्टिकेशन जो आणविक कैचें होती है, सीजर होती है, तो रेस्टिकेशन एंजाइम से कट लग रहे हैं यहाँ पर मिडिल में, एम्पिसिलिन जीन को वहां पर कट कर दिया, और उसकी जगह पर आप जानते हो कि ग्लोबिन जीन को वहां पर फिट कर दिया, ठीक है, तो प्लाज्मिड अब मिक्स्ड हो गए। अब बेटा आप अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कि भाई अब पुनर्युज डीएनए ग्रहण किया गया तो अब क्या होगा। यस, तो देखिएगा बेटा कि यहां बहुत अच्छी बात आपकी हो जाएगी कि आर ब्लू एंड कैन ग्रो ऑन प्लांट विद बोथ एंटीबायोटिक, कैन ग्रो ऑन प्लेट विद एम्पिसिलिन बट नॉट विद टेट्रासाइक्लिन, नहीं, कैन ग्रो ऑन प्लेट विद टेट्रासाइक्लिन बट नॉट विद एम्पिसिलिन, क्योंकि वो एम्पिसिलिन के प्रति संवेदी हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो यहां देखिएगा आंसर क्या होगा, थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से आप करें, है ना, और अच्छे से आप समझ सकते हो कि वो अपना एक्सप्रेशन ही नहीं करेगी, अब एम्पिसिलिन नहीं तो एक्सप्रेशन नहीं करेगी, और जैसे अपन क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस नेचर थी, लेकिन अपने वहां पर ग्लोबिन को ऐड कर दिया था, वो अपना एक्सट्रैक्शन यानी अपने एक्सप्रेसिंग नहीं करेगी, और आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो बहुत ही अच्छे से आप इस पेपर को आपने किया, यस मेरे राजा बेटा, और आप समझ सकते हैं कि पूरे मेजर में अपने एक्यूरेट मतलब वेटेज वाइज क्वेश्चन लिए हैं, आगे भी मेजर्स होंगे तो अपन यही कोशिश करेंगे, सर से मैं अनुरोध करूंगा, सब यही कोशिश करेंगे कि बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों को वही दिया जाए, ताकि रियल प्रैक्टिस हो। रैंडमली अपने क्वेश्चन दिए, सारे एनसीईआरटी बेस्ड दिए हैं आज, और सारे बच्चे अपने आप को इसमें प्रूव करना है, कोई बात नहीं नंबर कम आ जाए इस मेजर में तो ढंग से आपको सॉल्यूशन को देखना है, अगले मेजर तक आपको अच्छे से तैयार करना है, हर मेजर में आपको इंक्रीजिंग मार्क्स लेने हैं, 2021 में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, मस्त रहिए मेरे क्यूट से राजा बेटा रानी बेटी, तंदुरुस्त रहिए और योग प्रणायाम कीजिए, खूब पढ़िए, मौज करिए, 2021 में एक बड़े डॉक्टर बनिए, ताकि हम आपके घर पे आएंगे और आप हमको मिठाइयाँ खिलाएंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, सीएलसी आपके साथ है।